हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है स्वयंभू तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वयंभी मूवीज़ की बजट एंड बॉक्स चौबीस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इस फिल्म को बनाने में कितना रुपया लगेगा इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म जब इंडिया में रिलीज होगा तो बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर सकता है साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ दोस्तों फिल्म नज़र आने वाले मुख्य कास्ट के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को थोड़ा सा बताएंगे कि फिल्म की कहानी कैसी हो सकती है दोस्तों अगर आप लोग शैम्बू फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो साथ ही साथ फिल्म की कहानी को भी जानना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल यूट्यूबल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम बात करने की कोशिश करते हैं स्वयं फिल्म के बारे में दोस्तों कुछ समय पहले अभिनेत्री सं ने अपना जन्मदिन भारत कृष्णमचारी द्वारा निर्देशित और निखिल सिद्धार्थ अभिनेश स्वयंबू से अपने योद्धा लुक का अनावरण करके इन्होंने मनाया है उन्होंने दोस्तों पैरा नॉर्मल थ्रिलर बीए में भी इन्होंने आगे बताया है अभिनेत्री संयुक्ता ने आज 11 सितंबर अपने प्रशंसकों को एक विशेष आश्चर्य दिया जब उन्होंने भरत कृष्णाचार्य द्वारा निर्देशित और निखिल सिद्धार्थ अभिनीत बहुप्रतिष्ठित फिल्म स्वयंभू से अपने भयंकर योद्धा के लुक को इन्होंने अनावरण कर दिया सभी के सामने अब निर्माता ने दोस्तों आज उनके जन्मदिन पर जो है पोस्टर का खुलासा किया और उनके इंस्टाग्राम पर भी साझा किए गए एक शक्तिशाली पोस्टर में एक दृढ़ और फिर कुशल योद्धा के रूप में उनका नया अवतार दिखाया गया है जो दोस्तों धनुष और फिर तीर के साथ योद्धा का सामना करने के लिए बिल्कुल अभिनेत्री तैयार है वही पोस्टर की पृष्ठभूमि में दोस्तों तीव्रता झलकती हुई दिखाई देती है जिसमें धूल और फिर अराजकता से घिरा हुआ योद्धा का मैदान युद्ध का मैदान आपको देखने को मिलता है जो कि फिल्म के उच्च दाव वाले एक्शन की झलक देखने को मिलती है उनकी अडिग निगाहें मजबूत रुख और फिर योद्धा कवच उनकी भूमिका की गंभीरता को बढ़ावा देती है जबकि उनके पीछे एक लाल एक लाल लबादा नाटकीय रूप से लहड़ता हुआ दिखाई देता है जो कि व्यरतापूर्ण आभा को बढ़ावा देता है ये सीन इसी साथ के साथ दोस्तों पोस्टर के साथ स्वयंभू के निर्माता ने संयुक्ता को जन्म दिन की शुभकामनाएं दी है जिससे उन्होंने अपने पोस्ट में स्वीकार किया और फिल्म से दोस्तों अपने गहरे जुड़ाव को व्यक्तित किया और उन्होंने उल्लेख किया है कि स्वयंभू मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है और इसने मुझे चुनौतियों को स्वीकार करने और उन पर विजय पाने के लिए प्रेरित किया मुझे नए कौशल सीखने पर मजबूर किया है और अभी भी मैं सीख रही हूँ इस फिल्म के लिए कुछ कलाएँ और यहाँ पे हत्या करना एक कला है और, और वह इसकी रानी है इस तरह की शुभकामनाओं के लिए भी धन्यवाद उन्होंने पूरी टीम को दिया है इससे पहले निर्माता ने दोस्तों लुधेर यानी कि बैरिटी द्वारा निर्देशित की गई एक पैरा नॉर्मल थ्रिलर जो है बी एस एस से उनका लुक भी जारी किया था लेकिन यहाँ पे बिलमकुंडा साई श्रीनिवास अभिनीत ये फिल्म 400 साल पुराने जो है दशा दशा दशावतार दशा मंदिर के रहस्य को उजागर कर दी है संयुक्ता ने मुख्य महिला किरदार निभाया है जो उनके लगातार बढ़े जो उनके लगातार बढ़ते प्रदर्शन की सूची में एक रहस्यमय पहलू जोड़ता है इन प्रमुख परियोजनाओं के अलावा संयुक्ता के प्रशंसकों को एक और घोषणा की गई है जो कि दोस्तों बता दें सर्वानंद की सैंतीसवीं फिल्म में उनकी भूमिका जो है जिसका जो है शीर्षक स्थायी रूप से जो है यानी कि सार्व सैंतीस रखा गया जिसे जो है राम अब राज्य द्वारा निर्देशित किया जाएगा ये यहाँ पे त्रिपट जो है यानी कि पुलासा उद्योग में जो है संयुक्त संयुक्ता के बढ़ते जो है प्रभाव को दर्शाती है क्योंकि वह विभिन्न जो है शैलियों और भूमिकाओं के बीच सहजता से बदलाव करती है जिससे दोस्तों एक अभिनेत्री के रूप में उनकी जो है बहुमुखी प्रतिभा साबित होती हुई फिल्म के अंदर दिखाया जाता है तो दोस्तों बता दें बिला शक की स्वयंभू फिल्म एक जबरदस्त एक योद्धा वाली फिल्म होने वाली है जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा एक्शन भरपूर मारधार सीन्स आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकता है फिलहाल दोस्तों इस फिल्म की कुछ ही तस्वीरें लिख की गई है सामने आया है इसकी कुछ तस्वीरें कुछ अननोन चीजों को बताया गया अभी दोस्तों क्या कहानी हो सकती है फिल्म की इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी ज्यादा कुछ सामने इसके बारे में नहीं लिखा गया है लेकिन दोस्तों आप लोग वीडियो में एंड तक तो जरूर बन रहिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को भी बताने वाले हैं है दोस्तों शैम्बू एक आगामी पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें निखिल सिद्धार्थ मुख्य भूमिका में आने वाले हैं वही भरत कृष्णमचार्य द्वारा निर्देशित की गई इस फिल्म में संयुक्त और नाभा नटेश मुख्य महिला भूमिका निभाएंगी निर्माता ने आधिकारिक तौर पर घोषणा किया है कि फिल्म के लिए संगीत सत्र अभी चल रही है जिसमें बता दें कि के जो है सनसनी रवि बसरूर और फिर जो है गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं घोषणाओं को चिन्हित करने के लिए दोस्तों सरस्वती पुत्रा फिर जो है राम जोगिया शास्त्री और फिर जो भरत कृष्णचारी के साथ जो संगीतकार की एक तस्वीर जारी की गई है इस बीच फिल्म की शूटिंग जारी है इसी साथ दोस्तों बता दें पिक्चर स्टूडियो के तहत जो है भुवन और फिर जो है श्रीकांत द्वारा निर्मित और फिर जो है टैगोर मथु द्वारा प्रस्तुत की गई शंभू एक महत्वाकांक्षी परियोजना बनने जा रही है ये सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में रिलीज होने वाली है इस आकर्षक फिल्म के बारे में और अधिक रोमांचक जो है अपडेट के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा अभी दोस्तों फ़िल्म के रिलीज़ डेट के बारे में हम बात करें तो अभी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि ये फ़िल्म इंडिया में कब तक रिलीज़ हो सकता है क्योंकि दोस्तों अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है अभी दोस्तों फिल्म की जस्ट कुछ तस्वीरें सामने सोशल मीडिया पर रखा गया है फिल्म की कुछ न्यू अपडेट्स दे गई है कि हमने फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया है लेकिन दोस्तों फिल्म की शूटिंग कब तक समाप्त होगी कितनी परसेंट फिल्म की शूटिंग हो चुकी है इसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी और अपडेट हमारे सामने नहीं आया हुआ है इस फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री संयुक्ता ने, ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस मूवीज का कुछ तस्वीरें कुछ एक्शन सीन्स को पोस्ट किया है जिसपे दर्शक काफी ज्यादा उत्साहित होकर कॉमेंट कर रहे हैं इस शिक्षा दोस्तों निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी पीरियड एक्शन फिल्म स्वयंभू के लिए हैदराबाद में एक रोमांचक एक्शन एपिसोड की शूटिंग कर रहे हैं भारत भरत कृष्णचारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संयुक्त और नाफा नटेश भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है आइए जानने की कोशिश करते हैं कि निखिल के न्यूनतम शेड्यूल पर निर्माताओं को कितना खर्च करना पड़ रहा है और ये कितनी बड़ी फिल्म हो सकती है दोस्तों बता दें प्रेस नोट में निर्माता ने दावा किया है कि स्वयंभू का अगला शेड्यूल 12 दिनों में पूरा होगा जिसमें बता, जिसे बताया गया है कि बेथिय नामी लड़कों सहित जो है सात सौ कलाकार शामिल होंगे और निर्माता ने इस पर 8 करोड़ खर्च किया है अभी तक निर्माता ने यह भी बताया कि इस अवसर के लिए लगाए गए दो बड़े सेटों पर एक युद्ध दृश्य फिल्माया जा रहा है उनका दावा है कि ये फिल्म का एक प्रमुख आकर्षण होने जा रहा है जो दर्शकों को स्क्रीन पर इसे देखने पर उत्साह का एक महसूस और एक एहसास करवाएगा अपडेट के साथ दोस्तों निर्माता ने निखिल का एक नया पोस्टर भी साझा किया जिसमें वह भीड़ के सामने खड़े होकर जो है कैमरों की ओर जो है पीट करके पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वह किसी फाइटिंग जो है रिंग में प्रवेश कर रहे हैं यहीं पे दोस्तों दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है निखिल ने अपने इंस्टाग्राम पर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी साझा किया जिसमें टीम जिसमें जो है टीम में एक नए सदस्य के शामिल होने की जानकारी दी गई है शैम्पू स्पेशल जो है बिग स्क्रीन और फिर जो है एक्स से एक सारी की पीरियंस लोड होने जा रही है कुछ क्रेजी वार एक्शन सीन्स की शूटिंग चल रही है जल्दी और दोस्तों आपको बता दें कि सरप्राइज़ देखने को मिलेंगे इसमें दुनिया के सबसे जो है बेहतरीन यानी कि टेक्नीशियन जो है फिल्म फेयर का टीम में शामिल होना भी एक शामिल का चीज़ भरा चीज़ आपको इस फिल्म के अंदर होने वाला है इस तरह से दोस्तों के जी और सलाड जो है फेम रबी बसरूर फिल्म का संगीत तैयार कर रहे हैं जबकि यहाँ पे शनवाद जो है वासुदेव उनके अलावा मुनप्पा गिरी ने लिखा है और विजय विजय कमिश शेट्टी शाह निर्देशक रहे हैं इस मूवीज़ के वहीं निखिल को आखिर बार दोस्तों आखिरी बार 2023 की फिल्म जो है स्पाई में देखा गया था जो बॉक्स ऑफिस पर और दर्शकों के बीच अपनी जो है छाप छोड़ने में विफल रहे उन्होंने स्वयंभू में अपने किरदार के लिए दोस्तों हथियारों और मार्शल आर्ट और फिर जो है घोड़सवारी का प्रशिक्षण भी लिया था स्वयंभू के अलावा निखिल चंदू और फिर जो है मोडेटी की आ, फिल्म के अंदर जो है कार्तिक या तीन में जो है अभिनय करेंगे जिसमें दोस्तों वहाँ रोमांस पर जो है जाने वाले हैं यहाँ पे डॉक्टर की अपनी जो भूमिका को फिर से जो है दोहराएंगे इस मूवीज़ के अंदर इसी के साथ दोस्तों आगे बता दें कि कल रात दोस्तों हमारे कई जो है पसंदीदा जो है सेलिब्रिटी अबू धाबी के यसा आईलैंड में आयोजित किए गए एक अवार्ड शो के लिए एक छत के नीचे एक तरह हुए थे ये मौज मस्ती और फिर जो है प्रशंसनीय प्रदर्शन के जश्न के साथ जश्न की शाम थी जिसे हमने जो है इस साल की जो है सिल्वर स्क्रीन पर देखा हुआ है अवार्ड शो का एक प्रमुख आकर्षण जो सोशल मीडिया पर सामने आया हुआ अभिनेता बॉबी देवल की जो है दिल को छू लेने वाली जो है प्रतिक्रियाएँ हैं जब उन्होंने 2023 में अबरार हक की भूमिका के लिए जो है नेगेटिव रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार का इन्होंने हकदार बना था वहीं अपनी जो है पत्नी यानी कि तानिया देवल द्वारा झूमने के बाद जो है मंच पर जाते समय उनकी जो आंखें में आंसू आ गई थी इस अवार्ड को लेते समय वही दोस्तों अभिनेता को ट्रॉफी मिलते ही दर्शक जो है खुशी से झूम उठे थे खुशी से झूमने झूमने से खुद को नहीं रोक पाए थे प्रशंसकों को उनकी इच्छा के अनुसार उनकी जीत का जश्न मनाते हुए बॉबी देवल ने अपने सिर पर जो है गिलास यानी कि रखकर और फिर जो है नाचते हुए अपने प्रतिष्ठित जो है हुक स्टेप को फिर से जो है बनाया और खैर बॉबी की जीत के बाद जो है नेटिजन्स खुशी से झूम उठे और फिर जो है सुपर स्टार जो है शाहरुख खान को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया बहुत जो है अलग थी और गुस्से वाले जो है ट्वीट्स को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ प्रशंसकों को लगता है कि अभिनेता रणबीर कपूर इससे पुरस्कार के अधिक हकदार थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह मीडिया से बात करते समय दोस्तों तब जो है चल गई जब उस जब उनसे जो है उनके ससुर निर्माता वासु भगनानी के बारे में पूछा गया था पिछले कुछ महीनों से दोस्तों वासु भगनानी पर बकाया जो है भुगतान न करने के आरोप लगाए गए हैं अब न्यूज़ अठारह द्वारा जो है साझा किए गए एक वीडियो में रकुल प्रीत, अर, अर, प्रीत को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी जो है इफा अवार्ड 2024 के ग्रीन जो है कॉरपोरेट पर जो है टेलीविज़न और ओ टी प्लेटफॉर्मों के बारे में बोलते हुए दिखाया गया ये भी बताया गया है वहीं क्लिप में रकुल प्रीत से पूछा गया था दे प्यार दे फिल्म की शूटिंग कैसे चल रही है तो उन्होंने उस वक्त अच्छा जवाब दिया था इसके बारे में दोस्तों ये खबर दो के जो कि इस वीडियो में बताया जा रहा है वहीं दोस्तों आपको बता दें रकुल प्रीत सिंह ने इसके ऊपर भी काफ़ी जमकर जवाब दिया था वहीं आगे बता दें क्लिप में रकुल प्रीत से पूछा गया था दे दे प्यार दे टू की शूटिंग कैसे चल रही है इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था बहुत बढ़िया इसकी शूटिंग आगे बढ़ रही है इसके बाद फिर एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा वासु सर के बारे में मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स है और बहुत से लोगों ने कहा है कि इस पर अकुलप्रीत ने मुस्कुराना बंद कर दिया और सॉरी कहकर वहाँ से वो चली गई वहीं वासु भगनानी और उनके प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट पर उनकी कई जो फिल्मों के क्रू मेम्बर्स को बताया गया वही भुगतान न करने के आरोप लगाए गए कुछ महीने पहले जो यहाँ पे फेडरेशन ऑफ यानी कि वेस्टर्न इंडिया सिनेमा और फिर जो एम प्लस पर जवाब दिया गया था इसी तरह दोस्तों कुछ दिन पहले बीएन तिवारी ने वासु भगनानी के खिलाफ शिकायतों के बारे में खुलासा करके बात की थी वही समाचार एजेंसी ए के अनुसार उन्होंने कहा था हमें सबसे पहले तीनू देसाई से शिकायत मिली थी और मिशन रानीगंज के लिए उनके पास लगभग 33 लाख रुपए का बकाया था बाद में वासु भगनानी ने कुछ समय मांगा और कहा कि भुगतान और कहा कि भुगतान एक महीने के भीतर पूरा कर दिया जाएगा हमारे कुलीन श्रमिक और फिर संघ के लिए भुगतान का एक हिस्सा एक महीने के बाद किया गया था लेकिन तीनू देसाई का भुगतान अभी भी लंबित चल रहा है इस तरह उन्होंने निर्देशक अली अब्बास जफर की एक और शिकायत का भी जिक्र किया जिन्होंने अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ स्टार बड़े मिया छोटे मियाँ के निर्देशन के लिए अपनी फीस नहीं दी है अभी तक इसका भी खुलासा किया गया उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी हो रही है और उचित जो है प्रतिक्रिया नहीं मिली है इसलिए इस दौरान हम इंतज़ार कर रहे थे और फिर जो है हमें अली जफ़र से 7.5 करोड़ की शिकायत मिली वहीं पे एफ आई एफ आई सी ई के अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि अन्य जो है भुगतान लंबी चल रही है जैसे निर्देशक विकास बहल जिन्हें जो है गणपत के लिए भी 2.5 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया है अभी तक वाशु भगनानी ने कुली नंबर वन हीरो नंबर वन प्यार किया तो डरना किया बड़े मियाँ छोटे मियाँ बीवी नंबर वन तेरा जादू चल गया मुझे कुछ कहना है रहना है तेरे दिल में दीवानापन और फिर जो है ओम जय जैसी जो फिल्मों का निर्माण किया है जगदीश उन्होंने जीना सिर्फ मेरे लिए और फिर जो है सर्भ जीत जो है वेलकम टू न्यूयॉर्क और फिर जो है बेल बो, बेल बोटन जैसी फिल्मों का निर्माण इन्होंने किया हुआ है तो दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको काफ़ी जानकारी दे दी है अब आइए देवरा के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने शेयर करते हैं वही दोस्तों बता दें कि देवरा पार्ट वन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा अभी धमाका मचा रहा है आइए जानते हैं कि अभी तक इस फ़िल्म ने कितनी कारोबार कर लिया है बॉक्स ऑफिस के ऊपर कोरा सिवा की तेलुगु फिल्म देवरा पार्ट वन ने बॉक्स ऑफिस पर न केवल भारत में बल्कि दोस्तों विश्व स्तर पर भी शानदार शुरुआत की है जूनियर एन और फिर सैफ अली खान की मुख्य भूमिका वाली इस एक्शन फिल्म ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग डे में से एक का दर्जा हासिल किया है और ओपनिंग वीकेंड के बाकी दिनों में भी अपनी जो है गति बनाए रखी है इसी के साथ दोस्तों बता दें कॉमे स्कोर के अनुसार ये फिल्म इस यानी कि वेकेंड पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में की सूची में शामिल हो सकती है वही दोस्तों देवरा पार्ट वन सत्ताईस सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फिल्म के निर्माता ने एक बयान जारी करके बताया था कि इसने दुनिया भर में अपने पहले दिन एक करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ता में दोस्तों कॉमी स्कोर के अनुसार फिल्म ने दुनिया भर में अपने शुरुआती हफ्ता में 32 मिलियन से अधिक की कमाई किया है जो कि हम रुपए में देखें तो दो करोड़ से अधिक की कमाई की है जो कि इसे बैसिक स्तर पर सभी फिल्मों में दूसरे स्थान पर रखता है और फिर यहाँ पे देवरा केवल द वाइल्ड फिर रोबोट से पीछे है जिसने एक हफ्ते में 44 मिलियन से अधिक की कमाई किया हुआ है वहीं दोस्तों एक है महिला ने मेट्रो में तमन्ना भाटिया के गाने आज की रात पर नृत्य किया जिससे ऑनलाइन मिसरी जो है प्रतिक्रिया सामने आई है कुछ लोगों ने इसे पसंद किया जबकि अन्य ने इसे अनुचित भी माना है वहीं सोशल मीडिया के दौरान में सोशल मीडिया के दौर में दोस्तों मेट्रो यहाँ पे ट्रेन वायरल जो है पलों के लिए जो है अप्रतिषित जो है मंच बनाया गया है यात्रियों द्वारा रिल बनाने से लेकर तीखी नोक तक जो है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अक्सर जो है सुर्खियों में रहा है इस बार ये एक महिला का वीडियो सभी के सामने तेजी से वायरल हुआ है जिसमें वह स्त्री टू फिल्म की मशहूर गाने आज की रात पर डांस कर रही है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है वायरल क्लिप ने कई लोगों को विभाजित कर दिया और कुछ लोग डांस की सराहना कर रहे हैं जबकि अन्य लोग इस कृत्य की अनुचित भी कर रहे हैं इसके खिलाफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं इस तरह से इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम के ऊपर पहले आ, पहले से ही दोस्तों सहेली रुद्रा नाम की यूजर ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें वह मेट्रो कोच के बीच में आज की रात गाने की जोरदार जो है धुनों पर डांस करते हुए नजर आ रही है अपने कैप्शन में महिला ने बताया कि ये जो है यानी कि परफे ये जो है परफॉर्मेंस लोगों की मांग पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है क्लिप में यात्री उसकी परफॉर्मेंस देख रही है जिसमें कुछ है यात्री खुश नजर आ रही है जबकि अन्य सार्वजनिक जो है स्थान पर इस यानी कि अप्रत्याशित प्रदर्शन से परेशान होकर काम कर रहे हैं जैसे ही दोस्तों महिला संगीत की धुन पर जो है झूमती है कुछ यहाँ पे सह यात्री सीधे कैमरे की ओर जो है दिखाई देती हुई नजर आती है जबकि अन्य लोग आंख मिलाने से बच रहे हैं जो असहज अस प्रतीत होता है हालांकि इस पल हालांकि इस पल ने जो है ऑनलाइन जो है, है बहुत छेड़ दी है कि कृष्णात्मक जो है अभिव्यक्ति और फिर सार्वजनिक जो है व्यवधान के बीच जो है रेखा कहाँ से खींचा गया है इसी साथ दोस्तों आगे ये भी बताया गया है कि ये वीडियो तीन दिन पहले पोस्ट किया गया था और अब तक जो इंस्टाग्राम पर इसे आठ लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है साथ ही इस बार जो है कई कमेंट भी किए गए हैं कुछ यूजर्स ने ये वीडियो मनोरंजन मनोरंजन लगा है कुछ को इससे कुछ को इसके ऊपर जो है प्रदर्शन अपनी जो है नाराजगी जताई है इसी साथ दोस्तों ऑनलाइन जो है समुदाय ने नृत्य प्रदर्शन पर अपनी राय व्यक्त करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी किया है कि लोग अपनी जगह अपनी जगह की जो समझ खो रहे हैं ये नृत्य प्रदर्शन की सही जगह नहीं हो सकती है एक अन्य ने कहा कि हर कोई यह आपके मनोरंजन के लिए नहीं कृपया यानी कि सावधान रहे एक अनुयायी ने इसके विपरीत राय दी है जिसने कहा कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रही है अगर इससे खुशी मिलती है तो नृत्य क्यों नहीं करे हालांकि सभी लोग सार्वजनिक जो है प्रदर्शन के पक्ष में नहीं थे एक ए, एक यहाँ पे नेतीजन ने टिप्पणी किया है कि अगर मैं उस कोच में होता तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती जबकि दूसरों ने कहा कि ये कोई मंच नहीं है ये सार्वजनिक परिवहन है कुछ लोग बस काम पर जो है जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पे डांस करके बाधा डालना थोड़ी सी दिक्कत वाली बातें इनके लिए हो सकती है फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम सैम्बू फिल्म को लेकर बात कर रहे थे इसी के साथ दोस्तों सैम्बू फिल्म का फर्स्ट पोस्ट रिलीज किया जा चुका है अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नए वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू सुन हेलो तो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी मूफेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है स्वयंभू तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वयंभी मूवीज़ की बजट एंड बॉक्स रिपोर्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इस फिल्म को बनाने में कितना रुपया लगेगा इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म जब इंडिया में रिलीज़ होगा तो बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर सकता है साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस मूवी के रिलीज़ डेट के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ दोस्तों में नज़र आने वाले मुख्य कास्ट के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को थोड़ा सा बताएंगे कि फिल्म की कहानी कैसी हो सकती है दोस्तों अगर आप लोग शैम्पू फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो साथ ही साथ फिल्म की कहानी को भी जानना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के कि आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है तो दोस्तों ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम बात करने की कोशिश करते हैं स्वयं फिल्म के बारे में दोस्तों कुछ समय पहले अभिनेत्री सं ने अपना जन्मदिन भारत कृष्णमचारी द्वारा निर्देशित और निखिल सिद्धार्थ अभिनेत स्वयं से अपनी योद्धा लुक का अनावरण करके इन्होंने मनाया है उन्होंने दोस्तों पैरा नॉर्मल थ्रिलर बी में भी इन्होंने आगे बताया है अभिनेत्री संयुक्ता ने आज 11 सितंबर अपने प्रशंसकों को एक विशेष आश्चर्य दिया जब उन्होंने भरत कृष्णाचार्य द्वारा निर्देशित और निखिल सिद्धार्थ अभिनीत बहुप्रतिष्ठित फिल्म स्वयंभू से अपने भयंकर योद्धा के लुक को इन्होंने अनावरण कर दिया सभी के सामने अब निर्माता ने दोस्तों आज उनके जन्मदिन पर जो है पोस्टर का खुलासा किया और उनके इंस्टाग्राम पर भी साझा किए गए एक शक्तिशाली पोस्टर में एक दृढ़ और फिर कुशल योद्धा के रूप में उनका नया अवतार दिखाया गया है जो दोस्तों धनुष और फिर तीर के साथ योद्धा का सामना करने के लिए बिल्कुल अभिनेत्री तैयार है वही पोस्टर की पृष्ठभूमि में दोस्तों तीव्रता झलकती हुई दिखाई देती है जिसमें धूल और फिर अराजकता से घिरा हुआ योद्धा का मैदान युद्ध का मैदान आपको देखने को मिलता है जो कि फिल्म के उच्च दाव वाले एक्शन की झलक देखने को मिलती है उनकी अडिग निगाही मजबूत रुख और फिर योद्धा कवच उनकी भूमिका की गंभीरता को बढ़ावा देती है जबकि उनके पीछे एक लाल एक लाल लबादा नाटकीय रूप से लहटता हुआ दिखाई देता है जो कि व्यरतापूर्ण आभा को बढ़ावा देता है ये सीन इसी के साथ दोस्तों पोस्टर के साथ स्वयंभू के निर्माता ने संयुक्ता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है जिससे उन्होंने अपने पोस्ट में स्वीकार किया और फिल्म से दोस्तों अपने गहरे जुड़ाव को व्यक्तित किया और उन्होंने उल्लेख किया है कि स्वयंभू मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है और इसने मुझे चुनौतियों को स्वीकार करने और उन पर विजय पाने के लिए प्रेरित किया मुझे नए कौशल सीखने पर मजबूर किया है और अभी भी मैं सीख रही हूँ इस फिल्म के लिए कुछ कलाएं और यहाँ पे हत्या करना एक कला है और वह इसकी रानी है इस तरह की शुभकामनाओं के लिए भी धन्यवाद उन्होंने पूरी टीम को दिया है इससे पहले निर्माता ने दोस्तों लुधिर यानी कि बैरिटी द्वारा निर्देशित की गई एक पैरा नॉर्मल थ्रिलर जो है बी एस एस बारत से उनका लुक भी जारी किया था लेकिन यहाँ पे विलमकुंडा साई श्रीनिवास अभिनीत ये फिल्म 400 साल पुराने जो है दशा दशा दशावतार दशा मंदिर के रहस्य को उजागर कर दी है संपता ने मुख्य महिला किरदार निभाया है जो उनके लगातार बढ़े जो उनके लगातार बढ़ते प्रदर्शन की सूची में एक रहस्यमय पहलू जोड़ता है इन प्रमुख परियोजनाओं के अलावा संयुक्ता के प्रशंसकों को एक और घोषणा की गई है जो कि दोस्तों बता दें सर्वानंद की सैंतीसवीं फिल्म में उनकी भूमिका जो है जिसका जो है शीर्षक स्थायी रूप से जो है यानी कि सार्व सैंतीस रखा गया जिसे जो है राम अब अबराज द्वारा निर्देशित किया जाएगा ये यहाँ पे त्रिपट जो है यानी कि पुलासा उद्योग में जो है संयुक्त संयुक्ता के बढ़ते जो है प्रभाव को दर्शाती है क्योंकि वह विभिन्न जो है शैलियों और भूमिकाओं के बीच सहजता से बदलाव करती है जिससे दोस्तों एक अभिनेत्री के रूप में उनके जो है बहुमुखी प्रतिभा साबित होती हुई फिल्म के अंदर दिखाया जाता है तो दोस्तों बता दें बिला शक की स्वयंभू फिल्म एक जबरदस्त एक योद्धा वाली फिल्म होने वाली है जिसमें दोस्तों आपको काफी ज्यादा एक्शन भरपूर मारधार सीन्स आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकता है फिलहाल दोस्तों इस फिल्म की कुछ ही तस्वीरें लिख की गई है सामने आया है इसकी कुछ तस्वीरें कुछ अननोन चीजों को बताया गया अभी दोस्तों क्या कहानी हो सकती है फिल्म की इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ सामने इसके बारे में नहीं लिखा गया है लेकिन दोस्तों आप लोग वीडियो में एंड तक तो जरूर बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को भी बताने वाले हैं है दोस्तों शैम्बू एक आगामी पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें निखिल सिद्धार्थ मुख्य भूमिका में आने वाले हैं वहीं भरत कृष्ण्य द्वारा निर्देशित की गई इस फिल्म में संयुक्त और नाभा नटेश मुख्य महिला भूमिका निभाएंगी निर्माता ने आधिकारिक तौर पर घोषणा किया है कि फिल्म के लिए संगीत सत्र अभी चल रही है जिसमें बता दें कि के जो है सनसनी रवि बसरूर और फिर जो है गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं घोषणाओं को चिन्हित करने के लिए दोस्तों सरस्वती पोतरा फिर जो है राम और फिर जो है भरत कृष्णचारी के साथ जो है संगीतकार की एक तस्वीर जारी की गई है इस बीच फिल्म की शूटिंग जारी है इसी साथ दोस्तों बता दें पिक्सल स्टूडियो के तहत जो है भुवन और फिर जो है श्री द्वारा निर्मित और फिर जो है टैगोर मथो द्वारा प्रस्तुत की गई शैंपु एक महत्वाकांक्षी परियोजना बनने जा रही है ये सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में रिलीज होने वाली है इस आकर्षक फिल्म के बारे में और अधिक रोमांचक जो है अपडेट करिए आप लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा अभी दोस्तों फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो अभी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि ये फिल्म इंडिया में कब तक रिलीज हो सकता है क्योंकि दोस्तों अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है अभी दोस्तों फिल्म की जस्ट कुछ तस्वीरें सामने सोशल मीडिया पर रखा गया है फिल्म की कुछ न्यू अपडेट्स दे गई है कि हमने फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया है लेकिन दोस्तों फिल्म की शूटिंग कब तक समाप्त होगी कितनी परसेंट फिल्म की शूटिंग हो चुकी है इसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी और अपडेट हमारे सामने नहीं आया हुआ है इस फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री संयुक्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस मूवीज का कुछ तस्वीरें कुछ एक्शन सीन्स को पोस्ट किया है जिसपे दर्शक काफी ज्यादा उत्साहित होकर कॉमेंट कर रहे हैं शिक्षा दोस्तों निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी पीरियड एक्शन फिल्म स्वयं के लिए हैदराबाद में एक रोमांचक एक्शन एपिसोड शूर की शूटिंग कर रहे हैं भारत कृष्णमचारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संयुक्त और नाफा नटेश मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है आइए जानने की कोशिश करते हैं कि निखिल के न्यूनतम शेड्यूल पर निर्माताओं को कितना खर्च करना पड़ रहा है और ये कितनी बड़ी फिल्म हो सकती है दोस्तों बता दें प्रेस नोट में निर्माता ने दावा किया है कि स्वयंभू का अगला शेड्यूल 12 दिनों में पूरा होगा जिसमें बता, जिसे बताया गया है कि बेथ्य नामी लड़कों सहित जो है सात सौ कलाकार शामिल होंगे और निर्माता ने इस पर 8 करोड़ खर्च किया है अभी तक निर्माता ने यह भी बताया कि इस अवसर के लिए लगाए गए दो बड़े सेटों पर एक युद्ध दृश्य फिल्माया जा रहा है उनका दावा है कि ये फिल्म का एक प्रमुख आकर्षण होने जा रहा है जो दर्शकों को स्क्रीन पर इसे देखने पर उत्साह का एक महसूस और एक एहसास करवाएगा अपडेट के साथ दोस्तों निर्माता ने निखिल का एक नया पोस्टर भी साझा किया जिसमें वह भीड़ के सामने खड़े होकर जो है कैमरों की ओर जो है पीट करके पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वह किसी फाइटिंग जो है रिंग में प्रवेश कर रहे हैं यहीं पे दोस्तों दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है निखिल ने अपने इंस्टाग्राम पर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी साझा किया जिसमें टीम जिसमें जो है टीम में एक नए सदस्य के शामिल होने की जानकारी दी गई है शैम्पू स्पेशल जो है बिग स्क्रीन और फिर जो है एक्स से एक यानी कि पेरियंस लोड होने जा रही है कुछ है क्रेजी वार एक्शन सीन्स की शूटिंग चल रही है जल्दी और दोस्तों आपको बता दें कि सरप्राइज़ देखने को मिलेंगे इसमें दुनिया के सबसे जो है बेहतरीन यानी कि टेक्नीशियन जो है फिल्म फेयर का टीम में शामिल होना भी एक शामिल का चीज़ भरा चीज़ आपको इस फिल्म के अंदर होने वाला है इस तरह से दोस्तों के जी एफ और सलाद जो है फेम रबी बसरूर फिल्म का संगीत तैयार कर रहे जबकि यहाँ पे सनवाद जो है वासुदेव उनके अलावा मुनप्पा गिरी ने लिखा है और विजय विजय कमीश शेट्टी शाह निर्देशक रहे हैं इस मूवीज़ के वहीं निखिल को आखिर बार दोस्तों आखिरी बार 2023 की फिल्म जो है स्पाई में देखा गया था जो बॉक्स ऑफिस पर और दर्शकों के बीच अपनी जो है छाप छोड़ने में विफल रहे उन्होंने स्वयंभू में अपने किरदार के लिए दोस्तों हथियारों और मार्शल आर्ट और फिर जो है घोड़सवारी का प्रशिक्षण भी लिया था स्वयंभू के अलावा निखिल चंदू और फिर जो है मोडेटी की आ, फिल्म के अंदर जो है कार्तिक या तीन में जो है अभिनय करेंगे जिसमें दोस्तों रोमांस पर जो 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 है है जाने वाले हैं पे डॉक्टर की अपनी भूमिका को फिर से दोहराएंगे इस मूवीज़ के अंदर इसी के साथ दोस्तों आगे बता दें कि कलरा दोस्तों हमारे कई जो है पसंदीदा जो है सेलिब्रिटी अबू धाबी के यशा आईलैंड में आयोजित किए गए एक अवार्ड शो के लिए एक छत के नीचे एक तरह हुए थे ये मौज मस्ती और फिर जो है प्रशंसनीय प्रदर्शन के जश्न के साथ जश्न की शाम थी जिसे हमने जो है इस साल की जो है सिल्वर स्क्रीन पर देखा हुआ है अवार्ड शो का एक प्रमुख आकर्षण जो सोशल मीडिया पर सामने आया हुआ अभिनेता बॉबी देवल की जो है दिल को छू लेने वाली जो है प्रतिक्रिया हैं जब उन्होंने दो में अबरार हक की भूमिका के लिए जो है नेगेटिव रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार का इन्होंने हकदार बना था वहीं अपनी जो है पत्नी यानी कि तानिया देवल द्वारा चुमने के बाद जो है मंच पर जाते समय उनकी जो आंखें में आंसू आ गई थी इस अवार्ड को लेते समय वही दोस्तों अभिनेता को ट्रॉफ़ी मिलते ही दर्शक जो है खुशी से झूम उठे थे खुशी से झूमने झूमने से खुद को नहीं रोक पाए थे प्रशंसकों को उनकी इच्छा के अनुसार उनकी जीत का जश्न मनाते हुए बॉबी देवल ने अपने सिर पर जो है गिलास यानी कि रखकर और फिर जो है नाचते हुए अपने प्रतिष्ठित जो है हुक स्टेप को फिर से जो है बनाया और खैर बॉबी की जीत के बाद जो है नेटिजन्स खुशी से झूम उठे और फिर जो है सुपर स्टार जो है शाहरुख खान को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया बहुत जो है अलग थी और गुस्से वाले जो है ट्वीट्स को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ प्रशंसकों को लगता है कि अभिनेता रणबीर कपूर इससे पुरस्कार के अधिक हकदार थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह मीडिया से बात करते समय दोस्तों तब जो है चल गई जब उस जब उनसे जो है उनके ससुर निर्माता वासु भगनानी के बारे में पूछा गया था पिछले कुछ महीनों से दोस्तों वासु भगनानी पर बकाया जो है भुगतान न करने के आरोप लगाए गए हैं अब न्यूज 18 द्वारा जो है साझा किए गए एक वीडियो में रकुल प्रीत, अर, अर, प्रीत को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी जो है इफा अवार्ड 2024 के ग्रीन जो है कॉरपोरेट पर जो है टेलीविज़न और ओ टी प्लेटफॉर्मों के बारे में बोलते हुए दिखाया गया ये भी बताया गया है वहीं क्लिप में रकुल प्रीत से पूछा गया था दे प्यार दे फिल्म की शूटिंग कैसे चल रही है तो उन्होंने उस वक्त अच्छा जवाब दिया था इसके बारे में दोस्तों ये खबर 2023 के जो कि इस वीडियो में बताया जा रहा है वहीं दोस्तों आपको बता दें रकुल प्रीत सिंह ने इसके ऊपर भी काफ़ी जमकर जवाब दिया था वही आगे बता दें क्लिप में रकुल प्रीत से पूछा गया था दे दे प्यार दे टू की शूटिंग कैसे चल रही है इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था बहुत बढ़िया इसकी शूटिंग आगे बढ़ रही है इसके बाद फिर एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा वासु सर के बारे में मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स है और बहुत से लोगों ने कहा है कि इस पर अकुलप्रीत ने मुस्कुराना बंद कर दिया और सॉरी कहकर वहाँ से वो चली गई वहीं वासु भगनानी और उनके प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट पर उनकी कई जो फिल्मों के क्रू मेम्बर्स को बताया गया वही भुगतान न करने के आरोप लगाए गए कुछ महीने पहले जो यहाँ पे फेडरेशन ऑफ यानी कि वेस्टर्न इंडिया सिनेमा और जो एम प्लस पर जवाब दिया गया था इसी तरह दोस्तों कुछ दिन पहले बी तिवारी ने वासु भगनानी के खिलाफ शिकायतों के बारे में खुलासा करके बात की थी वही समाचार एजेंसी ए एन आई के अनुसार उन्होंने कहा था हमें सबसे पहले तीनों देसाई से शिकायत मिली थी और मिशन रानीगंज के लिए उनके पास लगभग 33 लाख रुपए का बकाया था बाद में वासु भगनानी ने कुछ समय मांगा और कहा कि भुगतान और कहा कि भुगतान एक महीने के भीतर पूरा कर दिया जाएगा हमारे कुलीन श्रमिक और फिर संघ के लिए भुगतान का एक हिस्सा एक महीने के बाद किया गया था लेकिन तीनों देसाई का भुगतान अभी भी लंबित चल रहा है इस तरह उन्होंने निर्देशक अली अब्बास जफर की एक और शिकायत का भी जिक्र किया जिन्होंने अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ स्टार बड़े मिय, मिया छोटे मियाँ के निर्देशन के लिए अपनी फीस नहीं दी है अभी तक इसका भी खुलासा किया गया उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी हो रही है और उचित जो है प्रतिक्रिया नहीं मिली है इसलिए इस दौरान हम इंतज़ार कर रहे थे और फिर जो है हमें अली जफ़र से 7.5 करोड़ की शिकायत मिली वहीं पे एफ आई एफ आई सी ई के अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि अन्य जो है भुगतान लंबी चल रही है जैसे निर्देशक विकास बहल जिन्हें जो है गणपत के लिए भी 2.5 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया है अभी तक वाशु भगनानी ने कुली नंबर वन हीरो नंबर वन प्यार किया तो डरना किया बड़े मियाँ छोटे मियाँ बीवी नंबर वन तेरा जादू चल गया मुझे कुछ कहना है रहना है तेरे दिल में दीवानापन और फिर जो है ओम जय जैसी जो फिल्मों का निर्माण किया है जगदीश उन्होंने जीना सिर्फ मेरे लिए और फिर जो है सर्अ जीत जो है वेलकम टू न्यूयॉर्क और फिर जो है बेल बो बेल बॉटन जैसी फिल्मों का निर्माण इन्होंने किया हुआ है तो दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको काफ़ी जानकारी दे दी है अब आइए देवरा के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने शेयर करते हैं वही दोस्तों बता दें कि देवरा पार्ट वन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा अभी धमाका मचा रहा है आइए जानते हैं कि अभी तक इस फिल्म ने कितनी कारोबार कर लिया है बॉक्स ऑफिस के ऊपर कुराटाला सिवा की तेलुगु फिल्म देवरा पार्ट वन ने बॉक्स ऑफिस पर न केवल भारत में बल्कि दोस्तों विश्व स्तर पर भी शानदार शुरुआत की है जूनियर एनटीआर और फिर सैफ अली खान के मुख्य भूमिका वाली इस एक्शन फिल्म ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग डे में से एक का दर्जा हासिल किया है और ओपनिंग वीकेंड के बाकी दिनों में भी अपनी जो है गति बनाए रखी है इसी इस दोस्तों बता दें कॉमे स्कोर के अनुसार ये फिल्म इस यानी कि वेकेंड पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में की सूची में शामिल हो सकती है वहीं दोस्तों देवरा पार्ट वन सत्ताईस सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फिल्म के निर्माता ने एक बयान जारी करके बताया था कि इसने दुनिया भर में अपने पहले दिन एक करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ता में दोस्तों कॉमी स्कोर के अनुसार फिल्म ने दुनिया भर में अपने शुरुआती हफ्ता में 32 मिलियन से अधिक की कमाई किया है जो कि हम रुपए में देखें तो दो करोड़ से अधिक की कमाई की है जो कि इसे वैश्विक स्तर पर सभी फिल्मों में दूसरे स्थान पर रखता है और फिर यहाँ पे देवरा केवल द वाइल्ड फिर रोबोट से पीछे है जिसने एक हफ्ते में चवालीस मिलियन से अधिक की कमाई किया हुआ है वहीं दोस्तों एक महिला ने मेट्रो में तमन्ना भाटिया के गाने आज की रात पर नृत्य किया जिससे ऑनलाइन मिश्रित जो है प्रतिक्रिया सामने आई है कुछ लोगों ने इसे पसंद किया जबकि अन्य ने इसे अनुचित भी माना है वहीं सोशल मीडिया के दौरान में सोशल मीडिया के दौर में दोस्तों मेट्रो यहां पे ट्रेन वायरल जो है पलों के लिए जो है अप्रतिशित जो है मंच बनाया गया है यात्रियों द्वारा रेल बनाने से लेकर तीखी नोक झुक तक जो है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अक्सर जो है सुर्खियों में रहा है इस बार ये एक महिला का वीडियो सभी के सामने तेजी से वायरल हुआ है जिसमें वह स्त्री टू फिल्म की मशहूर गाने आज की रात पर डांस कर रही है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है वायरल क्लिप ने कई लोगों को विभाजित कर दिया और कुछ लोग डांस की सराहना कर रहे हैं जबकि अन्य लोग इस कृत्य की अनुचित भी कर रहे हैं इसके खिलाफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं इस तरह से इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम के ऊपर पहले आ, पहले से ही दोस्तों सहेली रुद्रा नाम की यूजर ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें वह मेट्रो कोच के बीच में आज की रात गाने की जोरदार जो है धुनों पर डांस करते हुए नजर आ रही है अपने कैप्शन में महिला ने बताया कि ये जो है यानी कि परफे ये जो है परफॉर्मेंस लोगों की मांग पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है क्लिप में यात्री उसकी परफॉर्मेंस देख रही है जिसमें कुछ है यात्री खुश नजर आ रही है जबकि अन्य सार्वजनिक जो है स्थान पर इस यानी कि अप्रत्याशित प्रदर्शन से परेशान होकर काम कर रहे हैं जैसे ही दोस्तों महिला संगीत की धुन पर जो है झूमती है कुछ यहाँ पे सह यात्री सीधे कैमरे की ओर जो है दिखाई देती हुई नजर आती है जबकि अन्य लोग आंख मिलाने से बच रहे हैं जो असहज अस प्रतीत होता है हालांकि इस पल हालांकि इस पल ने जो है ऑनलाइन जो है बहुत छेड़ दी है कि कृष्णात्मक जो है अभिव्यक्तित और फिर सार्वजनिक जो है व्यवधान के बीच जो है रेखा कहाँ से खींचा गया है इसी के साथ दोस्तों आगे ये भी बताया गया है कि ये वीडियो तीन दिन पहले पोस्ट किया गया था और अब तक जो है इंस्टाग्राम पर इसे आठ लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है साथ ही इस बार जो है कई कमेंट भी किए गए हैं कुछ यूजर्स ने ये वीडियो मनोरंजन मनोरंजन लगा है कुछ को इससे कुछ को इसके ऊपर जो है प्रदर्शन अपनी जो है नाराज़गी जताई है इसी साथ दोस्तों ऑनलाइन जो है समुदाय ने नृत्य प्रदर्शन पर अपनी राय व्यक्त करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी किया है कि लोग अपनी जगह अपनी जगह की जो समझ खो रहे हैं ये नृत्य प्रदर्शन की सही जगह नहीं हो सकती है एक अन्य ने कहा कि हर कोई यह आपके मनोरंजन के लिए नहीं कृपया यानी कि सावधान रहे एक अनुयायी ने इसके विपरीत राय दी है जिसने कहा कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रही है अगर इससे खुशी मिलती है तो नृत्य क्यों नहीं करे हालांकि सभी लोग सार्वजनिक जो है प्रदर्शन के पक्ष में नहीं थे एक एक यहाँ पे नतीजन ने टिप्पणी किया है कि अगर मैं उस कोच में होता तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती जबकि दूसरों ने कहा कि ये कोई मंच नहीं है ये सार्वजनिक परिवहन है कुछ लोग बस काम पर जो है जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पे डांस करके बाधा डालना थोड़ी सी दिक्कत वाली बातें इनके लिए हो सकती है फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम शैम्बू फिल्म को लेकर बात कर रहे थे इसी के साथ दोस्तों सेम्बू फिल्म का फर्स्ट पोस्ट रिलीज़ किया जा चुका है अगर आप लोग इस फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नए वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू ओ सुनो तो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूफेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज इस के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है स्वयंभू तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वयंभी मूवीज़ की बजट एंड बॉक्स चौबीस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इस फिल्म को बनाने में कितना रुपया लगेगा इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म जब इंडिया में रिलीज होगा तो बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर सकता है साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में नज़र आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को थोड़ा सा बताएंगे कि फिल्म की कहानी कैसी हो सकती है दोस्तों अगर आप लोग सैम्बो फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो साथ ही साथ फिल्म की कहानी को भी जानना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोई फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम बात करने की कोशिश करते हैं स्वयं फिल्म के बारे में दोस्तों कुछ समय पहले अभिनेत्री संयुक्ता ने अपना जन्मदिन भारत कृष्णमचार्य द्वारा निर्देशित और निखिल सिद्धार्थ अभिनेत स्वयंबू से अपनी योद्धा लुक का अनावरण करके इन्होंने मनाया है उन्होंने दोस्तों पैरा नॉर्मल थ्रिलर बीए में भी इन्होंने आगे बताया है अभिनेत्री संयुक्ता ने आज 11 सितंबर अपने प्रशंसकों को एक विशेष आश्चर्य दिया जब उन्होंने भरत कृष्णाचार्य द्वारा निर्देशित और निखिल सिद्धार्थ अभिनीत फिल्म स्वयंभू से अपने भयंकर योद्धा के लुक को इन्होंने अनावरण कर दिया सभी के सामने अब निर्माता ने दोस्तों आज उनके जन्मदिन पर जो है पोस्टर का खुलासा किया और उनके इंस्टाग्राम पर भी साझा किए गए एक शक्तिशाली पोस्टर में एक दृढ़ और फिर कुशल योद्धा के रूप में उनका नया अवतार दिखाया गया है जो दोस्तों धनुष और फिर तीर के साथ योद्धा का सामना करने के लिए बिल्कुल अभिनेत्री तैयार है वही पोस्टर की पृष्ठभूज में दोस्तों तीव्रता झलकती हुई दिखाई देती है जिसमें धूल और फिर अराजकता से घिरा हुआ का मैदान, युद्ध का मैदान आपको देखने को मिलता है जो कि फिल्म के उच्च दाव वाले एक्शन की झलक देखने को मिलती है उनकी अडिग निगाहें मजबूत रुख और फिर योद्धा कवच उनकी भूमिका की गंभीरता को बढ़ावा देती है जबकि उनके पीछे एक लाल एक लाल लबादा नाटकीय रूप से लहाड़ता हुआ दिखाई देता है जो कि व्यरतापूर्ण आवा को बढ़ावा देता है ये सीन इसी साथ के साथ दोस्तों पोस्टर के साथ स्वयंभू के निर्माता ने संयुक्ता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है जिससे उन्होंने अपने पोस्ट में स्वीकार किया और फिल्म से दोस्तों अपने गहरे जुड़ाव को व्यक्तित किया और उन्होंने उल्लेख किया है कि स्वयंभू मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है और इसने मुझे चुनौतियों को स्वीकार करने और उन पर विजय पाने के लिए प्रेरित किया मुझे नए कौशल सीखने पर मजबूर किया है और अभी भी मैं सीख रही हूँ इस फिल्म के लिए कुछ कलाएं और यहाँ पर हत्या करना एक कला है और वह इसकी रानी है इस तरह की शुभकामनाओं के लिए भी धन्यवाद उन्होंने पूरी टीम को दिया है इससे पहले निर्माता ने दोस्तों लुधेर यानी कि बैरिटी द्वारा निर्देशित की गई एक पैरा नॉर्मल थ्रिलर जो है बी एस एस बारत से उनका लुक भी जारी किया था लेकिन यहाँ पे बिलमकुंडा साई श्रीनिवास अभिनीत ये फिल्म 400 साल पुराने जो है दशा दशा दशावतार मंदिर के रहस्य को उजागर कर दी है संयुक्ता ने मुख्य महिला किरदार निभाया है जो उनके लगातार बढ़े जो उनके लगातार बढ़ते प्रदर्शन की सूची में एक रहस्यमय पहलू जोड़ता है इन प्रमुख परियोजनाओं के अलावा वह संयुक्ता के प्रशंसकों को एक और घोषणा की गई है जो कि दोस्तों बता दें सर्वानंद की सैंतीसवीं फिल्म में उनकी भूमिका जो है जिसका जो है शीर्षक स्थायी रूप से जो है यानी कि सार्व सैतीस रखा गया जिसे जो है राम अब राज्य द्वारा निर्देशित किया जाएगा ये यहाँ पे त्रिपट जो है यानी कि पुलासा उद्योग में जो है संयुक्त संयुक्ता के बढ़ते जो है प्रभाव को दर्शाती है क्योंकि वह विभिन्न जो है शैलियों और भूमिकाओं के बीच सहजता से बदलाव करती है जिससे दोस्तों एक अभिनेत्री के रूप में उनकी जो है बहुमुखी प्रतिभा साबित होती हुई फिल्म के अंदर दिखाया जाता है तो दोस्तों बता दें बिला शक की स्वयंभू फिल्म एक जबरदस्त एक योद्धा वाली फिल्म होने वाली है जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा एक्शन भरपूर मारधार सीन्स आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकता है फिलहाल दोस्तों इस फिल्म की कुछ ही तस्वीरें लिख की गई है सामने आया है इसकी कुछ तस्वीरें कुछ अननोन चीजों को बताया गया अभी दोस्तों क्या कहानी हो सकती है फिल्म की इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी ज्यादा कुछ सामने इसके बारे में नहीं लिखा गया है लेकिन दोस्तों आप लोग वीडियो में एंड तक तो जरूर बन रहिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को भी बताने वाले हैं है दोस्तों शैंबू एक आगामी पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें निखिल सिद्धार्थ मुख्य भूमिका में आने वाले हैं वही भरत कृष्ण द्वारा निर्देशित की गई इस फिल्म में संयुक्त और नाभा नटिस मुख्य महिला भूमिका निभाएंगी निर्माता ने आधिकारिक तौर पर घोषणा किया है कि फिल्म के लिए संगीत सत्र अभी चल रही है जिसमें बता दें कि के जो है सनसनी रवि बसरूर और फिर जो है गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं घोषणाओं को चिन्हित करने के लिए दोस्तों सरस्वती पुत्रा फिर जो है राम जोग्या शस्त्री और फिर जो है भरत कृष्णचारी के साथ जो है संगीतकार की एक तस्वीर जारी की गई है इस बीच फिल्म की शूटिंग जारी है इसी से दोस्तों बता दें पिक्सल स्टूडियो के तहत जो है भुवन और फिर जो है श्री द्वारा निर्मित और फिर जो है टैगोर मथु द्वारा प्रस्तुत की गई शंभु एक महत्वाकांक्षी परियोजना बनने जा रही है ये सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में रिलीज होने वाली है इस आकर्षक फिल्म के बारे में और अधिक रोमांचक जो है अपडेट के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा अभी दोस्तों फ़िल्म के रिलीज़ डेट के बारे में हम बात करें तो अभी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि ये फ़िल्म इंडिया में कब तक रिलीज़ हो सकता है क्योंकि दोस्तों अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है अभी दोस्तों फिल्म की जस्ट कुछ तस्वीरें सामने सोशल मीडिया पर रखा गया है फिल्म की कुछ न्यू अपडेट्स दे गई है कि हमने फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया है लेकिन दोस्तों फिल्म की शूटिंग कब तक समाप्त होगी कितनी परसेंट फिल्म की शूटिंग हो चुकी है इसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी और अपडेट हमारे सामने नहीं आया हुआ है इस फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री संयुक्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस मूवीज का कुछ तस्वीरें कुछ एक्शन सीन्स को पोस्ट किया है जिसपे दर्शक काफी ज्यादा उत्साहित होकर कॉमेंट कर रहे हैं इस शिक्षा दोस्तों निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी पीरियड एक्शन फिल्म स्वयंभू के लिए हैदराबाद में एक रोमांचक एक्शन एपिसोड शूर की शूटिंग कर रहे हैं भारत कृष्णमचारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संयुक्त और नाफा नटेश भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है आइए जानने की कोशिश करते हैं कि निखिल के न्यूनतम शेड्यूल पर निर्माताओं को कितना खर्च करना पड़ रहा है और ये कितनी बड़ी फिल्म हो सकती है दोस्तों बता दें प्रेस नोट में निर्माता ने दावा किया है कि स्वयंभू का अगला शेड्यूल 12 दिनों में पूरा होगा जिसमें बता, जिसे बताया गया है कि बेथे नामी लड़कों सहित जो है सात सौ कलाकार शामिल होंगे और निर्माता ने इस पर 8 करोड़ खर्च किया है अभी तक निर्माता ने यह भी बताया कि इस अवसर के लिए लगाए गए दो बड़े सेटों पर एक युद्ध दृश्य फिल्माया जा रहा है उनका दावा है कि ये फिल्म का एक प्रमुख आकर्षण होने जा रहा है जो दर्शकों को स्क्रीन पर इसे देखने पर उत्साह का एक महसूस और एक एहसास करवाएगा अपडेट के साथ दोस्तों निर्माता ने निखिल का एक नया पोस्टर भी साझा किया जिसमें वह भीड़ के सामने खड़े होकर जो है कैमरों की ओर जो है पेट करके पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वह किसी फाइटिंग जो है रिंग में प्रवेश कर रहे हैं यहीं पे दोस्तों दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है निखिल ने अपने इंस्टाग्राम पर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी साझा किया जिसमें टीम जिसमें जो है टीम में एक नए सदस्य के शामिल होने की जानकारी दी गई है शैम्पो स्पेशल जो है बिग स्क्रीन और फिर जो है एक्स एक सेनि एक की पेरियंस लोड होने जा रही है कुछ क्रेजी वार एक्शन सीन्स की शूटिंग चल रही है जल्दी और दोस्तों आपको बता दें कि सरप्राइज़ देखने को मिलेंगे इसमें दुनिया के सबसे जो है बेहतरीन यानी कि टेक्नीशियन जो है फिल्म फेयर का टीम में शामिल होना भी एक शामिल का चीज़ भरा चीज़ आपको इस फिल्म के अंदर होने वाला है इस तरह से दोस्तों के जी और सलाट जो है फेम रबी बसरूर फिल्म का संगीत तैयार कर रहे जबकि यहाँ पे शनवाज जो है वासुदेव उनके अलावा मुनप्पा गिरी ने लिखा है और विजय विजय शेट्टी शाह निर्देशक रहे हैं इस मूवीज़ के वहीं निखिल को आखिर बार दोस्तों आखिरी बार 2023 की फिल्म जो है स्पाई में देखा गया था जो बॉक्स ऑफिस पर और दर्शकों के बीच अपनी जो है छाप छोड़ने में विफल रहे उन्होंने स्वयंभू में अपने किरदार के लिए दोस्तों हथियारों और मार्शल आर्ट और फिर जो है घोड़सवारी का प्रशिक्षण भी लिया था स्वयंभू के अलावा निखिल चंदू और फिर जो है मोडेटी की आ, फिल्म के अंदर जो है कार्तिक या तीन में जो है अभिनय करेंगे जिसमें दोस्तों वहाँ रोमांस पर जो है जाने वाले हैं यहाँ पे डॉक्टर की अपनी जो भूमिका को फिर से जो है दोहराएंगे इस मूवीज़ के अंदर इसी के साथ दोस्तों आगे बता दें कि कल रात दोस्तों हमारे कई जो है पसंदीदा जो है सेलिब्रिटी अबू धाबी के यसा आईलैंड में आयोजित किए गए एक अवार्ड शो के लिए एक छत के नीचे एक तरह हुए थे ये मौज मस्ती और फिर जो है प्रशंसनीय प्रदर्शन के जश्न के साथ जश्न की शाम जिसे हमने जो है इस साल की जो है सिल्वर स्क्रीन पर देखा हुआ है अवार्ड शो का एक प्रमुख आकर्षण जो सोशल मीडिया पर सामने आया हुआ अभिनेता बॉबी देवल की जो है दिल को छू लेने वाली जो है प्रतिक्रियाएँ हैं जब उन्होंने 2023 में अबरार हकीम भूमिका के लिए जो है नेगेटिव रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार का इन्होंने हकदार बना था वही अपनी जो है पत्नी यानी कि तानिया देवल द्वारा झूमने के बाद जो है मंच पर जाते समय उनकी जो आंखें में आंसू आ गई थी इस अवार्ड को लेते समय वही दोस्तों अभिनेता को ट्रॉफ़ी मिलते ही दर्शक जो है खुशी से झूम उठे थे खुशी से झूमने झूमने से खुद को नहीं रोक पाए थे प्रशंसकों को उनकी इच्छा के अनुसार उनकी जीत का जश्न मनाते हुए बॉबी देवल ने अपने सिर पर जो है गिलास यानी कि रखकर और फिर जो है नाचते हुए अपने प्रतिष्ठित जो है हुक स्टेप को फिर से जो है बनाया और खैर बॉबी की जीत के बाद जो है नेटिजन्स खुशी से झूम उठे और फिर जो है सुपर स्टार जो है शाहरुख खान को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया बहुत जो है अलग थी और गुस्से वाले जो है ट्वीट्स को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ प्रशंसकों को लगता है कि अभिनेता रणबीर कपूर इस पुरस्कार के अधिक हकदार थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह मीडिया से बात करते समय दोस्तों तब जो है चल गई जब उस जब उनसे जो है उनके ससुर निर्माता वासु भगनानी के बारे में पूछा गया था पिछले कुछ महीनों से दोस्तों वासु भगनानी पर बकाया जो है भुगतान न करने के आरोप लगाए गए हैं अब न्यूज़ 18 द्वारा जो है साझा किए गए एक वीडियो में रकुल प्रीत अर, अर, प्रीत को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी जो है इफा अवार्ड 2024 के ग्रीन जो है कॉरपोरेट पर जो है टेलीविज़न और ओ टी के बारे में बोलते हुए दिखाया गया ये भी बताया गया है वहीं क्लिप में रकुल प्रीत से पूछा गया था दे प्यार दे फिल्म की शूटिंग कैसे चल रही है तो उन्होंने उस वक्त अच्छा जवाब दिया था इसके बारे में दोस्तों ये खबर दो हज़ार की जो कि इस वीडियो में बताया जा रहा है वही दोस्तों आपको बता दें रकुल प्रीत सिंह ने इसके ऊपर भी काफ़ी जमकर जवाब दिया था वही आगे बता दें क्लिप में रकुल प्रीत से पूछा गया था दे दे प्यार दे टू की शूटिंग कैसे चल रही है इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था बहुत बढ़िया इसकी शूटिंग आगे बढ़ रही है इसके बाद फिर एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा वासु सर के बारे में मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स है और बहुत से लोगों ने कहा है कि इस पर अकुलप्रीत ने मुस्कुराना बंद कर दिया और सॉरी कहकर वहाँ से वो चली गई वहीं वासु भगनानी और उनके प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट पर उनकी कई जो फिल्मों के क्रू मेम्बर्स को बताया गया वही भुगतान न करने के आरोप लगाए गए कुछ महीने पहले जो यहाँ पे फेडरेशन ऑफ यानी कि वेस्टर्न इंडिया सिनेमा और फिर जो एम प्लस पर जवाब दिया गया था इसी तरह दोस्तों कुछ दिन पहले बी एन तिवारी ने वासु भगनानी के खिलाफ शिकायतों के बारे में खुलासा करके बात की थी वही समाचार एजेंसी ए एन आई के अनुसार उन्होंने कहा था हमें सबसे पहले टीनू देसाई से शिकायत मिली थी और मिशन रानीगंज के लिए उनके पास लगभग 33 लाख रुपए का बकाया था बाद में वासु भगनानी ने कुछ समय मांगा और कहा कि भुगतान और कहा कि भुगतान एक महीने के भीतर पूरा कर दिया जाएगा हमारे कुलीन श्रमिक और फिर संघ के लिए भुगतान का एक हिस्सा एक महीने के बाद किया गया था लेकिन तीनू देसाई का भुगतान अभी भी लंबित चल रहा है इस तरह उन्होंने निर्देशक अली अब्बास जफर की एक और शिकायत का भी जिक्र किया जिन्होंने अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ स्टार बड़े मियाँ छोटे मियाँ के निर्देशन के लिए अपनी फीस नहीं दी है अभी तक इसका भी खुलासा किया गया उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी हो रही है और उचित जो है प्रतिक्रिया नहीं मिली है इसलिए इस दौरान हम इंतज़ार कर रहे थे और फिर जो है हमें अली जफ़र से 7.5 करोड़ की शिकायत मिली वहीं पे एफ आई एफ आई सी ई के अध्यक्ष ने ये भी दावा किया कि अन्य जो है भुगतान लंबी चल रही है जैसे निर्देशक विकास बहल जिन्हें जो है गणपत के लिए भी 2.5 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया है अभी तक वाशु भगनानी ने कुली नंबर वन हीरो नंबर वन प्यार किया तो डरना किया बड़े मियाँ छोटे मियाँ बीवी नंबर वन तेरा जादू चल गया मुझे कुछ कहना है रहना है तेरे दिल में दीवानापन और फिर जो है ओम जय जैसी जो फिल्मों का निर्माण किया है जगदीश उन्होंने जीना सिर्फ मेरे लिए और फिर जो है सर्भ जीत जो है वेलकम टू न्यूयर्क और फिर जो है बेल बो बेल बॉटन जैसी फिल्मों का निर्माण इन्होंने किया हुआ है तो दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको काफ़ी जानकारी दे दी है अब आइए देवरा के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने शेयर करते हैं वहीं दोस्तों बता दें कि देवरा पार्ट वन बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा अभी धमाका मचा रहा है आइए जानते हैं कि अभी तक इस फिल्म ने कितनी कारोबार कर लिया है बॉक्स ऑफिस के ऊपर कुराटाला सिवा की तेलुगु फिल्म देवरा पार्ट वन ने बॉक्स ऑफिस पर न केवल भारत में बल्कि दोस्तों विश्व स्तर पर भी शानदार शुरुआत की है जूनियर एन और फिर सैफ अली खान के मुख्य भूमिका वाली इस एक्शन फिल्म ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग डे में से एक का दर्जा हासिल किया है और ओपनिंग वीकेंड के बाकी दिनों में भी अपनी जो है गति बनाए रखी है इसी के साथ दोस्तों बता दें कॉमे स्कोर के अनुसार ये फिल्म इस यानी कि वेकेंड पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में की सूची में शामिल हो सकती है वही दोस्तों देवरा पार्ट वन सत्ताईस सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फिल्म के निर्माता ने एक बयान जारी करके बताया था कि इसने दुनिया भर में अपने पहले दिन एक करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ता में दोस्तों कॉमी स्कोर के अनुसार फिल्म ने दुनिया भर में अपने शुरुआती हफ्ता में 32 मिलियन से अधिक की कमाई किया है जो कि हम रुपए में देखें तो दो करोड़ से अधिक की कमाई की है जो कि इसे बेसिक स्तर पर सभी फिल्मों में दूसरे स्थान पर रखता है और फिर यहाँ पे देवरा केवल द वाइल फिर रोबोट से पीछे है जिसने एक हफ्ते में 44 मिलियन से ज्यादा की कमाई किया हुआ है वहीं दोस्तों एक महिला ने मेट्रो में तमन्ना भाटिया के गाने आज की रात पर नृत्य किया जिससे ऑनलाइन मिश्रित जो है प्रतिक्रिया सामने आई है कुछ लोगों ने इसे पसंद किया जबकि अन्य ने इसे अनुचित भी माना है वहीं सोशल मीडिया के दौरान में सोशल मीडिया के दौर में दोस्तों मेट्रो यहाँ पे ट्रेन वायरल जो है पलों के लिए जो है अप्रतिषित जो है मंच बनाया गया है यात्रियों द्वारा रिल बनाने से लेकर तीखी नोक झुक तक जो है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अक्सर जो है सुर्खियों में रहा है इस बार ये एक महिला का वीडियो सभी के सामने तेजी से वायरल हुआ है जिसमें वह स्त्री टू फिल्म की मशहूर गाने आज की रात पर डांस कर रही है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है वायरल क्लिप ने कई लोगों को विभाजित कर दिया और कुछ लोग डायल्स की सराहना कर रहे हैं जबकि अन्य लोग इस कृत्य की अनुचित भी कर रहे हैं इसके खिलाफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं इस तरह से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के ऊपर पहले आ, पहले से ही दोस्तों सहेली रुद्रा नाम की यूजर ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें वह मेट्रो कोच के बीच में आज की रात गाने की जोरदार जो है धुनों पर डांस करते हुई नजर आ रही है अपने कैप्शन में महिला ने बताया कि ये जो है यानी कि परफे ये जो है परफॉर्मेंस लोगों की मांग पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है क्लिप में यात्री उसकी परफॉर्मेंस देख रही है जिसमें कुछ है, यात्री खुश नज़र आ रही है जबकि अन्य सार्वजनिक जो है स्थान पर इस यानी कि अप्रत्याशित प्रदर्शन से परेशान होकर काम कर रहे हैं जैसे ही दोस्तों महिला संगीत के धुन पर जो है झूमती है कुछ यहाँ पे सह यात्री सीधे कैमरे की ओर जो, जो भी है दिखाई देती हुई नजर आती है जबकि अन्य लोग आंख मिलाने से बच रहे हैं जो असहज अस प्रतीत होता है हालांकि इस पल हालांकि इस पल ने जो है ऑनलाइन जो है बहुत छेड़ दी है कि कृष्णात्मक जो है अभिव्यक्तित और फिर सार्वजनिक जो है व्यवधान के बीच जो है रेखा कहाँ से खींचा गया है इसी के साथ दोस्तों आगे ये भी बताया गया है कि ये वीडियो तीन दिन पहले पोस्ट किया गया था और अब तक जो इंस्टाग्राम पर इसे आठ लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है साथ ही इस पर जो है कई कमेंट भी किए गए हैं कुछ यूजर्स ने ये वीडियो मनोरंजन मनोरंजन लगा है कुछ को इससे कुछ को इसके ऊपर जो है प्रदर्शन अपनी जो है नाराज़गी जताई है इसी साथ दोस्तों ऑनलाइन जो है समुदाय ने नृत्य प्रदर्शन पर अपनी राय व्यक्त करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी किया है कि लोग अपनी जगह अपनी जगह की जो समझ खो रहे हैं ये नृत्य प्रदर्शन की सही जगह नहीं हो सकती है एक अन्य ने कहा कि हर कोई यह आपके मनोरंजन के लिए नहीं कृपया यानी कि सावधान रहे एक अनुयायी ने इसके विपरीत राय दी है जिसने कहा कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रही है अगर इससे खुशी मिलती है तो नृत्य क्यों नहीं करे हालांकि सभी लोग सार्वजनिक जो है प्रदर्शन के पक्ष में नहीं थे एक ए, एक यहाँ पे नतीजन ने टिप्पणी किया है कि अगर मैं उस कोच में होता तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती जबकि दूसरों ने कहा कि ये कोई मंच नहीं है ये सार्वजनिक परिवहन है कुछ लोग बस काम पर जो है जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पे डांस करके बाधा डालना थोड़ी सी दिक्कत वाली बातें इनके लिए हो सकती है फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम शैम्बू फिल्म को लेकर बात कर रहे थे इसी के साथ दोस्तों शैम्बू फिल्म का फर्स्ट पोस्ट रिलीज किया जा चुका है अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नए वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू सोनो तो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है स्वयंभू तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वम्बी मूवीज़ की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इस फिल्म को बनाने में कितना रुपया लगेगा इसी सा के साथ दोस्तों ये फिल्म जब इंडिया में रिलीज़ होगा तो बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर सकता है साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस मूवी के रिलीज़ डेट के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ दोस्तों फिल्म नज़र आने वाले मुख्य कास्ट के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को थोड़ा सा बताएंगे कि फिल्म की कहानी कैसी हो सकती है दोस्तों अगर आप लोग शैम्पू फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो साथ ही साथ फिल्म की कहानी को भी जानना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को साथ को सब्सक्राइब कर कर दीजिए साथ साथ ही बेल आइकन भी प्रेस दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम बात करने की कोशिश करते हैं स्वयं फिल्म के बारे में दोस्तों कुछ समय पहले अभिनेत्री सं ने अपना जन्मदिन भारत कृष्ण द्वारा निर्देशित और निखिल सिद्धार्थ अभिनेत स्वयंभू से अपने योद्धा लुक का अनावरण करके इन्होंने मनाया है उन्होंने दोस्तों पैरा नॉर्मल थ्रिलर बीए में भी इन्होंने आगे बताया है अभिनेत्री संयुक्ता ने आज 11 सितंबर अपने प्रशंसकों को एक विशेष आश्चर्य दिया जब उन्होंने भरत कृष्णाचार्य द्वारा निर्देशित और निखिल सिद्धार्थ अभिनीत बहुप्रतिष्ठित फिल्म स्वयंभू से अपने भयंकर योद्धा के लुक को इन्होंने अनावरण कर दिया सभी के सामने अब निर्माता ने दोस्तों आज उनके जन्मदिन पर जो है पोस्टर का खुलासा किया और उनके इंस्टाग्राम पर भी साझा किए गए एक शक्तिशाली पोस्टर में एक दृढ़ और फिर कुशल योद्धा के रूप में उनका नया अवतार दिखाया गया है जो दोस्तों धनुष और फिर तीर के साथ योद्धा का सामना करने के लिए बिल्कुल अभिनेत्री तैयार है वही पोस्टर की पृष्ठभूमि में दोस्तों तीव्रता झलकती हुई दिखाई देती है जिसमें धूल और फिर अराजकता से घिरा हुआ योद्धा का मैदान युद्ध का मैदान आपको देखने को मिलता है जो कि फिल्म के उच्च दाव वाले एक्शंस की झलक देखने को मिलती है उनकी अडिग निगाहें मजबूत रुख और फिर योद्धा कवच उनकी भूमिका की गंभीरता को बढ़ावा देती है जबकि उनके पीछे एक लाल एक लाल लबादा नाटकीय रूप से लहटता हुआ दिखाई देता है जो कि व्यतापूर्ण आवा को बढ़ावा देता है ये सीन इसी साथ के साथ दोस्तों पोस्टर के साथ स्वयंभू के निर्माता ने संयुक्ता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है जिससे उन्होंने अपने पोस्ट में स्वीकार किया और फिल्म से दोस्तों अपने गहरे जुड़ाव को व्यक्तित किया और उन्होंने उल्लेख किया है कि स्वयंभू मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है और इसने मुझे चुनौतियों को स्वीकार करने और उन पर विजय पाने के लिए प्रेरित किया मुझे नए कौशल सीखने पर मजबूर किया है और अभी भी मैं सीख रही हूँ इस फिल्म के लिए कुछ कलाएँ और यहाँ पे हत्या करना एक एक कला है और वह इसकी रानी है इस तरह की शुभकामनाओं के लिए भी धन्यवाद उन्होंने पूरी टीम को दिया है इससे पहले निर्माता ने दोस्तों लुधिर यानी कि बैरिटी द्वारा निर्देशित की, की गई एक पैरा नॉर्मल थ्रिलर जो है बी एस एस से उनका लुक भी जारी किया था लेकिन यहाँ पे बिलमकुंडा साई श्रीनिवास अभिनीत ये फिल्म 400 साल पुराने जो है दशा दशा दशावतार दशा मंदिर के रहस्य को उजागर कर दी है संयुक्ता ने मुख्य महिला किरदार निभाया है जो उनके लगातार बढ़े जो उनके लगातार बढ़ते प्रदर्शन की सूची में एक रहस्यमय पहलू जोड़ता है इन प्रमुख परियोजनाओं के अलावा संयुक्ता के प्रशंसकों को एक और घोषणा की गई है जो कि दोस्तों बता दें सर्वानंद की सैंतीसवीं फिल्म में उनकी भूमिका जो है जिसका जो है शीर्षक स्थायी रूप से जो है यानी कि सार्व सैतीस रखा गया जिसे जो है राम अब राज्य द्वारा निर्देशित किया जाएगा ये यहाँ पे त्रिपट जो है यानी कि पुलासा उद्योग में जो है संयुक्त संयुक्ता के बढ़ते जो है प्रभाव को दर्शाती है क्योंकि वह विभिन्न जो है शैलियों और भूमिकाओं के बीच सहजता से बदलाव करती है जिससे दोस्तों एक अभिनेत्री के रूप में उनके जो है बहुमुखी प्रतिभा साबित होती हुई फिल्म के अंदर दिखाया जाता है तो दोस्तों बता दें बिला शक की स्वयंभू फिल्म एक जबरदस्त एक योद्धा वाली फिल्म होने वाली है जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा एक्शन भरपूर मारधार सीन्स आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकता है फिलहाल दोस्तों इस फिल्म की कुछ ही तस्वीरें लिख की गई है सामने आया है इसकी कुछ तस्वीरें कुछ अननोन चीजों को बताया गया अभी दोस्तों क्या कहानी हो सकती है फिल्म की इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी ज्यादा कुछ सामने इसके बारे में नहीं लिखा गया है लेकिन दोस्तों आप लोग वीडियो में एंड तक तो जरूर बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को भी बताने वाले हैं और दोस्तों शैम्बू एक आगामी पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें निखिल सिद्धार्थ मुख्य भूमिका में आने वाले हैं वही भरत कृष्ण द्वारा निर्देशित की गई इस फिल्म में संयुक्त और नाभा नटेश मुख्य महिला भूमिका निभाएंगी निर्माता ने आधिकारिक तौर पर घोषणा किया है कि फिल्म के लिए संगीत सत्र अभी चल रही है जिसमें बता दें कि के जो है सनसनी रवि बसरूर और फिर जो है गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं घोषणाओं को चिन्हित करने के लिए दोस्तों सरस्वती पुत्र फिर जो है राम जोगिया शास्त्री और फिर जो है भरत कृष्णचारी के साथ जो है संगीतकार की एक तस्वीर जारी की गई है इस बीच फिल्म की शूटिंग जारी है इसी दोस्तों बता दें पिक्सल स्टूडियो के तहत जो है भुवन और फिर जो है श्रीकांत द्वारा निर्मित और फिर जो है टैगोर मथु द्वारा प्रस्तुत की गई शंभु एक महत्वाकांक्षी परियोजना बनने जा रही है ये सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में रिलीज होने वाली है इस आकर्षक फिल्म के बारे में और अधिक रोमांचक जो है अपडेट के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा अभी दोस्तों फिल्म की रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो अभी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि ये फिल्म इंडिया में कब तक रिलीज हो सकता है क्योंकि दोस्तों अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है अभी दोस्तों फिल्म की जस्ट कुछ तस्वीरें सामने सोशल मीडिया पर रखा गया है फिल्म की कुछ न्यू अपडेट्स दे गई है कि हमने फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया है लेकिन दोस्तों फिल्म की शूटिंग कब तक समाप्त होगी कितनी परसेंट फिल्म की शूटिंग हो चुकी है इसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी और अपडेट हमारे सामने नहीं आया हुआ है इस फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री संयुक्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस मूवीज का कुछ तस्वीरें कुछ एक्शन सीन्स को पोस्ट किया है जिसपे दर्शक काफी ज्यादा उत्साहित होकर कमेंट कर रहे हैं इसी के साथ दोस्तों निकल सिद्धार्थ अपनी आगामी पीरियड एक्शन फिल्म स्वयंभू के लिए हैदराबाद में एक रोमांचक एक्शन एपिसोड शूर की शूटिंग कर रहे हैं भारत कृष्णमचारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संयुक्त और नाफा नेटेश भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है आइए जानने की कोशिश करते हैं कि निखिल के न्यूनतम शेड्यूल पर निर्माताओं को कितना खर्च करना पड़ रहा है और ये कितनी बड़ी फिल्म हो सकती है दोस्तों बता दें प्रेस नोट में निर्माता ने दावा किया है कि स्वयंभू का अगला शेड्यूल 12 दिनों में पूरा होगा जिसमें बता, जिसे बताया गया है कि बेथ्य नामी लड़कों सहेज जो है सात सौ कलाकार शामिल होंगे और निर्माता ने इस पर 8 करोड़ खर्च किया है अभी तक निर्माता ने यह भी बताया कि इस अवसर के लिए लगाए गए दो बड़े सेटों पर एक युद्ध दृश्य फिल्माया जा रहा है उनका दावा है कि ये फिल्म का एक प्रमुख आकर्षण होने जा रहा है जो दर्शकों को स्क्रीन पर इसे देखने पर उत्साह का एक महसूस और एक एहसास करवाएगा अपडेट के साथ दोस्तों निर्माता ने निखिल का एक नया पोस्टर भी साझा किया जिसमें वह भीड़ के सामने खड़े होकर जो है कैमरों की ओर जो है पीट करके पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वह किसी फाइटिंग जो है रिंग में प्रवेश कर रहे हैं यहीं पे दोस्तों दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है निखिल ने अपने इंस्टाग्राम पर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी साझा किया जिसमें टीम जिसमें जो है टीम में एक नए सदस्य के शामिल होने की जानकारी दी गई है शैम्पू स्पेशल जो है बिग स्क्रीन और फिर जो है एक्स से एक यानी कि पेरियंस लोड होने जा रही है कुछ क्रेजी वार एक्शन सीन्स की शूटिंग चल रही है जल्दी और दोस्तों आपको बता दें कि सरप्राइज़ देखने को मिलेंगे इसमें दुनिया के सबसे जो है बेहतरीन यानी कि टेक्नीशियन जो है फिल्म फेयर का टीम में शामिल होना भी एक शामिल का चीज़ भरा चीज़ आपको इस फिल्म के अंदर होने वाला है इस तरह से दोस्तों के जी एफ और सलाट जो है फेम रबी बसरूर फिल्म का संगीत तैयार कर रहे जबकि यहाँ पे सनवाद जो है वासुदेव उनके अलावा मुनप्पा गिरी ने लिखा है और विजय विजय कमिश शेट्टी शाह निर्देशक रहे हैं इस मूवीज़ के वहीं निखिल को आखिर बार दोस्तों आखिरी बार 2023 की फिल्म जो है स्पाई में देखा गया था जो बॉक्स ऑफिस पर और दर्शकों के बीच अपनी जो है छाप छोड़ने में विफल रहे उन्होंने स्वयंभू में अपने किरदार के लिए दोस्तों हथियारों और मार्शल आर्ट और फिर जो है घोड़सवारी का प्रशिक्षण भी लिया था स्वयंभू के अलावा निखिल चंदू और फिर जो है मोडेटी की फ़िल्म के अंदर जो है कार्तिक या तीन में जो है अभिनय करेंगे जिसमें दोस्तों वहाँ रोमांस पर जो है जाने वाले हैं यहाँ पे डॉक्टर की अपनी जो भूमिका को फिर से जो है दोहराएंगे इस मूवीज़ के अंदर इसी के साथ दोस्तों आगे बता दें कि कलरा दोस्तों हमारे कई जो है पसंदीदा जो है सेलिब्रिटी अबू धाबी के यसा आईलैंड में आयोजित किए गए एक अवार्ड शो के लिए एक छत के नीचे एकत्र हुए थे ये मौज मस्ती और फिर जो है प्रशंसनीय प्रदर्शन के जश्न के साथ जश्न की शाम थी जिसे हमने जो है इस साल की जो है सिल्वर स्क्रीन पर देखा हुआ है अवार्ड शो का एक प्रमुख आकर्षण जो सोशल मीडिया पर सामने आया हुआ अभिनेता बॉबी देवल की जो है दिल को छू लेने वाली जो है प्रतिक्रियाएँ हैं जब उन्होंने 2023 में अबरार हक की भूमिका के लिए जो है नेगेटिव रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार का इन्होंने हकदार बना था वहीं अपनी जो है पत्नी यानी कि तानिया देवल द्वारा जुमने के बाद जो है मंच पर जाते समय उनकी जो आंखें में आंसू आ गई थी इस अवार्ड को लेते समय वहीं दोस्तों अभिनेता को ट्रॉफ़ी मिलते ही दर्शक जो है खुशी से झूम उठे थे खुशी से झूमने झूमने से खुद को नहीं रोक पाए थे प्रशंसकों को उनकी इच्छा के अनुसार उनकी जीत का जश्न मनाते हुए बॉबी देवल ने अपने सिर पर जो है गिलास यानी कि रखकर और फिर जो है नाचते हुए अपने प्रतिष्ठित जो है हुक स्टेप को फिर से जो है बनाया और खैर बॉबी की जीत के बाद जो है नेटिजन्स खुशी से झूम उठे और फिर जो है सुपर स्टार जो है शाहरुख खान को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया बहुत जो है अलग थी और गुस्से वाले जो है ट्वीट्स को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ प्रशंसकों को लगता है कि अभिनेता रणबीर कपूर इस पुरस्कार के अधिक हकदार थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह मीडिया से बात करते समय दोस्तों तब जो है चल गई जब उस जब उनसे जो है उनके ससुर निर्माता वासु भगनानी के बारे में पूछा गया था पिछले कुछ महीनों से दोस्तों वासु भगनानी पर बकाया जो है भुगतान न करने के आरोप लगाए गए हैं अब न्यूज़ 18 द्वारा जो है साझा किए गए एक वीडियो में रकुल प्रीत अर, अरकुल प्रीत को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी जो है इफ़ा अवार्ड 2024 हज़ार चौबीस ग्रीन जो है कॉरपोरेट पर जो है टेलीविजन और ओ टी टी प्लेटफॉर्मों के बारे में बोलते हुए दिखाया गया ये भी बताया गया है वहीं क्लिप में रकुल प्रीत से पूछा गया था दे प्यार दे फिल्म की शूटिंग कैसे चल रही है तो उन्होंने उस वक्त अच्छा जवाब दिया था इसके बारे में दोस्तों ये खबर 2023 हज़ार की जो कि इस वीडियो में बताया जा रहा है वही दोस्तों आपको बता दें रकुल प्रीत सिंह ने इसके ऊपर भी काफ़ी जमकर जवाब दिया था वही आगे बता दें क्लिप में रकुल प्रीत से पूछा गया था दे दे प्यार दे टू की शूटिंग कैसे चल रही है इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था बहुत बढ़िया इसकी शूटिंग आगे बढ़ रही है इसके बाद फिर एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा वासु सर के बारे में मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स है और बहुत से लोगों ने कहा है कि इस पर अकुलप्रीत ने मुस्कुराना बंद कर दिया और सॉरी कहकर वहाँ से वो चली गई वहीं वासु भगनानी और उनके प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट पर उनकी कई जो फिल्मों के क्रू मेम्बर्स को बताया गया वही भुगतान न करने के आरोप लगाए गए कुछ महीने पहले जो यहाँ पे फेडरेशन ऑफ यानी कि वेस्टर्न इंडिया सिनेमा और फिडजी एम प्लस पर जवाब दिया गया था इसी तरह दोस्तों कुछ दिन पहले बी तिवारी ने वासु भगनानी के खिलाफ शिकायतों के बारे में खुलासा करके बात की थी वही समाचार एजेंसी ए एन आई के अनुसार उन्होंने कहा था हमें सबसे पहले टीनू देसाई से शिकायत मिली थी और मिशन रानीगंज के लिए उनके पास लगभग 33 लाख रुपए का बकाया था बाद में वासु भगनानी ने कुछ समय मांगा और कहा कि भुगतान और कहा कि भुगतान एक महीने के भीतर पूरा कर दिया जाएगा हमारे कुलीन श्रमिक और फिर संघ के लिए भुगतान का एक हिस्सा एक महीने के बाद किया गया था लेकिन टीनू देसाई का भुगतान अभी भी लंबित चल रहा है इस तरह उन्होंने निर्देशक अली अब्बास जफर की एक और शिकायत का भी जिक्र किया जिन्होंने अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ स्टार बड़े मियाँ छोटे मियाँ के निर्देशन के लिए अपनी फीस नहीं दी है अभी तक इसका भी खुलासा किया गया उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी हो रही है और उचित जो है प्रतिक्रिया नहीं मिली है इसलिए इस दौरान हम इंतज़ार कर रहे थे और फिर जो है हमें अली जफ़र से 7.5 करोड़ की शिकायत मिली वहीं पे एफ आई एफ आई सी ई के अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि अन्य जो है भुगतान लंबी चल रही है जैसे निर्देशक विकास बहल जिन्हें जो है गणपत के लिए भी 2.5 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया है अभी तक वाशु भगनानी ने कुली नंबर वन हीरो नंबर वन प्यार किया तो डरना किया बड़े मियाँ छोटे मियाँ बीवी नंबर वन तेरा जादू चल गया मुझे कुछ कहना है रहना है तेरे दिल में दीवानापन और फिर जो है ओम जय जैसी जो फ़िल्मों का निर्माण किया है जगदीश उन्होंने जीना सिर्फ मेरे लिए और फिर जो है सर्भ जीत जो है वेलकम टू न्यूयॉर्क और फिर जो है बेल बो बेल बोटन जैसी फिल्मों का निर्माण इन्होंने किया हुआ है तो दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको काफ़ी जानकारी दे दी है अब आइए देवरा के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने शेयर करते हैं वही दोस्तों बता दें कि देवरा पार्ट वन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा अभी धमाका मचा रहा है आइए जानते हैं कि अभी तक इस फिल्म ने कितनी कारोबार कर लिया है बॉक्स ऑफिस के ऊपर कोरा सिवा की तेलुगु फिल्म देवरा पार्ट वन ने बॉक्स ऑफिस पर न केवल भारत में बल्कि दोस्तों विश्व स्तर पर भी शानदार शुरुआत की है जूनियर एनटीआर और फिर सैफ अली खान के मुख्य भूमिका वाली इस एक्शन फिल्म ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग डे में से एक का दर्जा हासिल किया है और ओपनिंग वीकेंड के बाकी दिनों में भी अपनी जो है गति बनाए रखी है इसी दोस्तों बता दें कॉमे स्कोर के अनुसार ये फिल्म इस यानी कि वेकेंड पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में की सूची में शामिल हो सकती है वही दोस्तों देवरा पार्ट वन सत्ताईस सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फिल्म के निर्माता ने एक बयान जारी करके बताया था कि इसने दुनिया भर में अपने पहले दिन एक करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ता में दोस्तों कॉमी स्कोर के अनुसार फिल्म ने दुनिया भर में अपने शुरुआती हफ्ता में 32 मिलियन से अधिक की कमाई किया है जो कि हम रुपए में देखें तो दो करोड़ से अधिक की कमाई की है जो कि इसे बेसिक स्तर पर सभी फिल्मों में दूसरे स्थान पर रखता है और फिर यहाँ पे देवरा केवल द वाइल्ड फिर रोबोट से पीछे है जिसने एक हफ्ते में चवालीस मिलियन से अधिक की कमाई किया हुआ है वही दोस्तों एक है। महिला ने मेट्रो में तमन्ना भाटिया के गाने आज की रात पर नृत्य किया जिससे ऑनलाइन मिश्रित जो है प्रतिक्रिया सामने आई है कुछ लोगों ने इसे पसंद किया जबकि अन्य ने इसे अनुचित भी माना है वहीं सोशल मीडिया के दौरान में सोशल मीडिया के दौर में दोस्तों मेट्रो यहां पे ट्रेन वायरल जो है पलों के लिए जो है अप्रतिशित जो है मंच बनाया गया है यात्रियों द्वारा बनाने से लेकर तीखी नोक झुक तक जो है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अक्सर जो है सुर्खियों में रहा है इस बार ये एक महिला का वीडियो सभी के सामने तेजी से वायरल हुआ है जिसमें वह स्त्री टू फिल्म की मशहूर गाने आज की रात पर डांस कर रही है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है वायरल क्लिप ने कई लोगों को विभाजित कर दिया और कुछ लोग डांस की सराहना कर रहे हैं जबकि अन्य लोग इस कृतिया की अनुचित भी कर रहे हैं इसके खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे हैं इस तरह से इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम के ऊपर पहले आ, पहले से ही दोस्तों सहेली रुद्रा नाम की यूजर ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें वह मेट्रो कोच के बीच में आज की रात गाने की जोरदार जो है धुनों पर डांस करते हुई नजर आ रही है अपने कैप्शन में महिला ने बताया कि ये जो है यानी कि परफ ये जो है परफॉर्मेंस लोगों की मांग पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है क्लिप में यात्री उसकी परफॉर्मेंस देख रही है जिसमें कुछ है, यात्री खुश नजर आ रही है जबकि अन्य सार्वजनिक जो है स्थान पर इस यानी कि अप्रत्याशित प्रदर्शन से परेशान होकर काम कर रहे हैं जैसे ही दोस्तों महिला संगीत की दुन पर जो है झूमती है कुछ यहाँ पे सह यात्री सीधे कैमरे की ओर जो, जो है दिखाई देती हुई नजर आती है जबकि अन्य लोग आंख मिलाने से बच रहे हैं जो असहज अस प्रतीत होता है हालांकि इस पल हालांकि इस पल ने जो है ऑनलाइन जो है बहुत छेड़ दी है कि रचनात्मक जो है अभिव्यक्ति और फिर सार्वजनिक जो है व्यवधान के बीच जो है रेखा कहाँ से खींचा गया है इसी साथ दोस्तों आगे ये भी बताया गया है कि ये वीडियो तीन दिन पहले पोस्ट किया गया था और अब तक जो इंस्टाग्राम पर इसे आठ लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है साथ ही इस बार जो है कई कमेंट भी किए गए हैं कुछ यूजर्स ने ये वीडियो मनोरंजन मनोरंजन लगा है कुछ को इससे कुछ को इसके ऊपर जो है प्रदर्शन अपनी जो है नाराज़गी जताई है इसी साथ दोस्तों ऑनलाइन जो है समुदाय ने नृत्य प्रदर्शन पर अपनी राय व्यक्त करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी किया है कि लोग अपनी जगह अपनी जगह की जो समझ खो रहे हैं ये नृत्य प्रदर्शन की सही जगह नहीं हो सकती है एक अन्य ने कहा कि हर कोई यह आपके मनोरंजन के लिए नहीं कृपया यानी कि सावधान रहे एक अनुयायी ने इसके विपरीत राय दी है जिसने कहा कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रही है अगर इससे खुशी मिलती है तो नृत्य क्यों नहीं करे हालांकि सभी लोग सार्वजनिक जो है प्रदर्शन के पक्ष में नहीं थे एक ए, एक यहाँ पे नतीजन ने टिप्पणी किया है कि अगर मैं उस कोच में होता तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती जबकि दूसरों ने कहा कि ये कोई मंच नहीं है ये सार्वजनिक परिवहन है कुछ लोग बस काम पर जो है जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पे डांस करके बाधा डालना थोड़ी सी दिक्कत वाली बातें इनके लिए हो सकती है फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम शैम्बू फिल्म को लेकर बात कर रहे थे इसी के साथ दोस्तों शैम्बू फिल्म का फर्स्ट पोस्ट रिलीज किया जा चुका है अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नए वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू तो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के एफेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है स्वयंभू तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वयंभी मूवीज़ की बजट एंड बॉक्स रिपोर्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इस फिल्म को बनाने में कितना रुपया लगेगा इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म जब इंडिया में रिलीज होगा तो बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर सकता है साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस मूवी के रिलीज़ डेट के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ दोस्तों फिल्म नज़र आने वाले मुख्य कास्ट के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को थोड़ा सा बताएंगे कि फिल्म की कहानी कैसी हो सकती है दोस्तों अगर आप लोग सैम्बो फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो साथ ही साथ फिल्म की कहानी को भी जानना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के कि आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल मोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम बात करने की कोशिश करते हैं स्वयं फिल्म के बारे में दोस्तों कुछ समय पहले अभिनेत्री सं ने अपना जन्मदिन भारत कृष्णमचारी द्वारा निर्देशित और निखिल सिद्धार्थ अभिनेत स्वयं से अपने योद्धा लुक का अनावरण करके इन्होंने मनाया है उन्होंने दोस्तों पैरा नॉर्मल थ्रिलर बी में भी इन्होंने आगे बताया है अभिनेत्री संयुक्ता ने आज 11 सितंबर अपने प्रशंसकों को एक विशेष आश्चर्य दिया जब उन्होंने भरत कृष्णाचार्य द्वारा निर्देशित और निखिल सिद्धार्थ अभिनीत बहुप्रतिष्ठित फिल्म स्वयंभू से अपने भयंकर योद्धा के लुक को इन्होंने अनावरण कर दिया सभी के सामने अब निर्माता ने दोस्तों आज उनके जन्मदिन पर जो है पोस्टर का खुलासा किया और उनके इंस्टाग्राम पर भी साझा किए गए एक शक्तिशाली पोस्टर में एक दृढ़ और फिर कुशल योद्धा के रूप में उनका नया अवतार दिखाया गया है जो दोस्तों धनुष और फिर तीर के साथ योद्धा का सामना करने के लिए बिल्कुल अभिनेत्री तैयार है वही पोस्टर की पृष्ठभूमि में दोस्तों तीव्रता झलकती हुई दिखाई देती है जिसमें धूल और फिर अराजकता से घिरा हुआ योद्धा का मैदान युद्ध का मैदान आपको देखने को मिलता है जो कि फिल्म के उच्च दाव वाले एक्शन की झलक देखने को मिलती है उनकी अडिग निगाहें मजबूत रुख और फिर योद्धा कवच उनकी भूमिका की गंभीरता को बढ़ावा देती है जबकि उनके पीछे एक लाल एक लाल लबादा नाटकीय रूप से लहड़ता हुआ दिखाई देता है जो कि वीरतापूर्ण आवा को बढ़ावा देता है ये सीन इसी साथ दोस्तों पोस्टर के साथ स्वयंभू के निर्माता ने संयुक्ता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है जिससे उन्होंने अपने पोस्ट में स्वीकार किया और फिल्म से दोस्तों अपने गहरे जुड़ाव को व्यक्तित किया और उन्होंने उल्लेख किया है कि स्वयंभू मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है और इसने मुझे चुनौतियों को स्वीकार करने और उन पर विजय पाने के लिए प्रेरित किया मुझे नए कौशल सीखने पर मजबूर किया है और अभी भी मैं सीख रही हूँ इस फिल्म के लिए कुछ कलाएं और यहाँ पर हत्या करना एक कला है और, और वह इसकी रानी है इस तरह की शुभकामनाओं के लिए भी धन्यवाद उन्होंने पूरी टीम को दिया है इससे पहले निर्माता ने दोस्तों लुधेर यानी कि बैरिटी द्वारा निर्देशित की गई एक पैरा नॉर्मल थ्रिलर जो है बी एस एस बारत से उनका लुक भी जारी किया था लेकिन यहाँ पे बिलमकुंडा साई श्रीनिवास अभिनीत ये फिल्म 400 साल पुराने जो है दशा दशा दशावतार दशा मंदिर के रहस्य को उजागर कर दी है संयुक्ता ने मुख्य महिला किरदार निभाया है जो उनके लगातार बढ़े जो उनके लगातार बढ़ते प्रदर्शन की सूची में एक रहस्यमय पहलू जोड़ता है इन प्रमुख परियोजनाओं के अलावा वह के प्रशंसकों को एक और घोषणा की गई है जो कि दोस्तों बता दें सर्वानंद की सैंतीसवीं फिल्म में उनकी भूमिका जो है जिसका जो है शीर्षक स्थायी रूप से जो है यानी कि सार्व सैंतीस रखा गया जिसे जो है राम अब अबराज द्वारा निर्देशित किया जाएगा ये यहाँ पे त्रिपर जो है यानी कि पुलासा उद्योग में जो है संयुक्त संयुक्ता के बढ़ते जो है प्रभाव को दर्शाती है क्योंकि वह विभिन्न जो है शैलियों और भूमिकाओं के बीच सहजता से बदलाव करती है जिससे दोस्तों एक अभिनेत्री के रूप में उनकी जो है बहुमुखी प्रतिभा साबित होती हुई फिल्म के अंदर दिखाया जाता है तो दोस्तों बता दें बिला शक की स्वयंभू फिल्म एक जबरदस्त एक योद्धा वाली फिल्म होने वाली है जिसमें दोस्तों आपको काफी ज्यादा एक्शन भरपूर मारधार सीन्स आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकता है फिलहाल दोस्तों इस फिल्म की कुछ ही तस्वीरें लिख की गई है सामने आया है इसकी कुछ तस्वीरें कुछ अननोन चीजों को बताया गया अभी दोस्तों क्या कहानी हो सकती है फिल्म की इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ सामने इसके बारे में नहीं लिखा गया है लेकिन दोस्तों आप लोग वीडियो में एंड तक तो जरूर बना रहिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को भी बताने वाले हैं है दोस्तों शैम्बू एक आगामी पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें निखिल सिद्धार्थ मुख्य भूमिका में आने वाले हैं वही भरत कृष्ण्य द्वारा निर्देशित की गई इस फिल्म में संयुक्त और नाभा नटेश मुख्य महिला भूमिका निभाएंगी निर्माता ने आधिकारिक तौर पर घोषणा किया है कि फिल्म के लिए संगीत सत्र अभी चल रही है जिसमें बता दें कि के जो है सनसनी रवि बसरूर और फिर जो है गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं घोषणाओं को चिन्हित करने के लिए दोस्तों सरस्वती पोतरा फिर जो है रामजोग्या शास्त्री और फिर जो है भरत कृष्णाचार्य के साथ जो संगीतकार की एक तस्वीर जारी की गई है इस बीच फिल्म की शूटिंग जारी है इसी साथ दोस्तों बता दें पिक्सल स्टूडियो के तहत जो है भुवन और फिर जो है श्रीकांत द्वारा निर्मित और फिर जो है टैगोर मथु द्वारा प्रस्तुत की गई शंभु एक महत्वाकांक्षी परियोजना बनने जा रही है ये सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में रिलीज होने वाली है इस आकर्षक फिल्म के बारे में और अधिक रोमांचक जो है अपडेट करिए आप लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा अभी दोस्तों फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो अभी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि ये फिल्म इंडिया में कब तक रिलीज हो सकता है क्योंकि दोस्तों अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है अभी दोस्तों फिल्म की जस्ट कुछ तस्वीरें सामने सोशल मीडिया पर रखा गया है फिल्म की कुछ न्यू अपडेट्स दे गई है कि हमने फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया है लेकिन दोस्तों फिल्म की शूटिंग कब तक समाप्त होगी कितनी परसेंट फिल्म की शूटिंग हो चुकी है इसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी और अपडेट हमारे सामने नहीं आया हुआ है इस फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री संयुक्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस मूवीज का कुछ तस्वीरें कुछ एक्शन सीन्स को पोस्ट किया है जिसपे दर्शक काफी ज्यादा उत्साहित होकर कमेंट कर रहे हैं इस शिक्षा दोस्तों निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी पीरियड एक्शन फिल्म स्वयंभू के लिए हैदराबाद में एक रोमांचक एक्शन एपिसोड शूर की शूटिंग कर रहे हैं भारत भरत कृष्णारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संयुक्त और नाफा नटेश भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है आइए जानने की कोशिश करते हैं कि निखिल के न्यूनतम शेड्यूल पर निर्माताओं को कितना खर्च करना पड़ रहा है और ये कितनी बड़ी फिल्म हो सकती है दोस्तों बता दें प्रेस नोट में निर्माता ने दावा किया है कि शय्भू का अगला शेड्यूल 12 दिनों में पूरा होगा जिसमें बता, जिसे बताया गया है कि बेथ्य नामी लड़कों सहित जो है सात सौ कलाकार शामिल होंगे और निर्माता ने इस पर 8 करोड़ खर्च किया है अभी तक निर्माता ने यह भी बताया कि इस अवसर के लिए लगाए गए दो बड़े सेटों पर एक युद्ध दृश्य फिल्माया जा रहा है उनका दावा है कि ये फिल्म का एक प्रमुख आकर्षण होने जा रहा है जो दर्शकों को स्क्रीन पर इसे देखने पर उत्साह का एक महसूस और एक एहसास करवाएगा अपडेट के साथ दोस्तों निर्माता ने निखिल का एक नया पोस्टर भी साझा किया जिसमें वह भीड़ के सामने खड़े होकर जो है कैमरों की ओर जो है पीट करके पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वह किसी फाइटिंग जो है रिंग में प्रवेश कर रहे हैं यहीं पे दोस्तों दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है निखिल ने अपने होने की जानकारी दी गई है स्पेशल जो है बिग स्क्रीन और फिर जो है, एक से एक की होने जा रही है। कुछ है सीन्स की शूटिंग चल रही है जल्दी और दोस्तों आपको बता दें कि सरप्राइज़ देखने को मिलेंगे इसमें दुनिया के सबसे जो है बेहतरीन यानी कि टेक्नीसियन जो है फिल्म फेयर का टीम में शामिल होना भी एक शामिल का चीज़ भरा चीज़ आपको इस फिल्म के अंदर होने वाला है इस तरह से दोस्तों के जी और सलाट जो है फेम रबी बसरूर फिल्म का संगीत तैयार कर रहे जबकि यहाँ पे शनवाज जो है वासुदेव उनके अलावा मुनप्पा गिरी ने लिखा है और विजय विजय कमी शेट्टी शाह निर्देशक रहे हैं इस मूवीज़ के वहीं निखिल को आखिर बार दोस्तों आखिरी बार 2023 की फिल्म जो है स्पाई में देखा गया था जो बॉक्स ऑफिस पर और दर्शकों के बीच अपनी जो है छाप छोड़ने में विफल रहे उन्होंने स्वयंभू में अपने किरदार के लिए दोस्तों हथियारों और मार्शल आर्ट और फिर जो है घोड़सवारी का प्रशिक्षण भी लिया था स्वयंभू के अलावा निखिल चंदू और फिर जो है मोडेटी की आ, फिल्म के अंदर जो है कार्तिक या तीन में जो है अभिनय करेंगे जिसमें दोस्तों वहाँ रोमांस पर जो है जाने वाले हैं यहाँ पे डॉक्टर की अपनी जो है भूमिका को फिर से जो है दोहराएंगे इस मूवीज़ के अंदर इसी के साथ दोस्तों आगे बता दें कि कल रात दोस्तों हमारे कई जो है पसंदीदा जो है सेलिब्रिटी अबू धाबी के यसा आईलैंड में आयोजित किए गए एक अवार्ड शो के लिए एक छत के नीचे एक तरह हुए थे ये मौज मस्ती और फिर जो है प्रशंसनीय प्रदर्शन के जश्न के साथ जश्न की शाम थी जिसे हमने जो है इस साल की जो है सिल्वर स्क्रीन पर देखा हुआ है अवार्ड शो का एक प्रमुख आकर्षण जो सोशल मीडिया पर सामने आया हुआ अभिनेता बॉबी देवल की जो है दिल को छू लेने वाली जो है प्रतिक्रियाएँ हैं जब उन्होंने 2023 में अबरार हक की भूमिका के लिए जो है नेगेटिव रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार का इन्होंने हकदार बना था वहीं अपनी जो है पत्नी यानी कि तानिया देवल द्वारा चुमने के बाद जो है मंच पर जाते समय उनकी जो आंखें में आंसू आ गई थी इस अवार्ड को लेते समय वही दोस्तों अभिनेता को ट्रॉफ़ी मिलते ही दर्शक जो है खुशी से झूम उठे थे खुशी से झूमने झूमने से खुद को नहीं रोक पाए थे प्रशंसकों को उनकी इच्छा के अनुसार उनकी जीत का जश्न मनाते हुए बॉबी देवल ने अपने सिर पर जो है गिलास यानी कि रखकर और फिर जो है नाचते हुए अपने प्रतिष्ठित जो है हुक स्टेप को फिर से जो है बनाया और खैर बॉबी की जीत के बाद जो है नेटिजन्स खुशी से जो उठे और फिर जो है सुपर स्टार जो है शाहरुख खान को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया बहुत जो है अलग थी और गुस्से वाले जो है ट्वीट्स को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ प्रशंसकों को लगता है कि अभिनेता रणबीर कपूर इस पुरस्कार के अधिक हकदार थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह मीडिया से बात करते समय दोस्तों तब जो है चल गई जब उस जब उनसे जो है उनके ससुर निर्माता वासु भगनानी के बारे में पूछा गया था पिछले कुछ महीनों से दोस्तों वासु भगनानी पर बकाया जो है भुगतान न करने के आरोप लगाए गए हैं अब न्यूज 18 द्वारा जो है साझा किए गए एक वीडियो में रकुल प्रीत अर, अर, रकुलप्रीत को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी जो है इफा अवार्ड 2024 के ग्रीन जो है कॉरपोरेट पर जो है टेलीविज़न और ओ टी प्लेटफॉर्मों के बारे में बोलते हुए दिखाया गया ये भी बताया गया है वहीं क्लिप में रकुल प्रीत से पूछा गया था दे प्यार दे फिल्म की शूटिंग कैसे चल रही है तो उन्होंने उस वक्त अच्छा जवाब दिया था इसके बारे में दोस्तों ये खबर दो के जो कि इस वीडियो में बताया जा रहा है वहीं दोस्तों आपको बता दें रकुल प्रीत सिंह ने इसके ऊपर भी काफ़ी जमकर जवाब दिया था वहीं आगे बता दें क्लिप में रकुल प्रीत से पूछा गया था दे दे प्यार दे टू की शूटिंग कैसे चल रही है इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था बहुत बढ़िया इसकी शूटिंग आगे बढ़ रही है इसके बाद फिर एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा वासु सर के बारे में मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स है और बहुत से लोगों ने कहा है कि इस पर अकुलप्रीत ने मुस्कुराना बंद कर दिया और सॉरी कहकर वहाँ से वो चली गई वहीं वासु भगनानी और उनके प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट पर उनकी कई जो फिल्मों के क्रू मेम्बर्स को बताया गया वही भुगतान न करने के आरोप लगाए गए कुछ महीने पहले जो यहाँ पे फेडरेशन ऑफ यानी कि वेस्टर्न इंडिया सिनेमा और फिर जो एम प्लस पर जवाब दिया गया था इसी तरह दोस्तों कुछ दिन पहले बी एन तिवारी ने वासु भगनानी के खिलाफ शिकायतों के बारे में खुलासा करके बात की थी वही समाचार एजेंसी ए एन आई के अनुसार उन्होंने कहा था हमें सबसे पहले टीनू देसाई से शिकायत मिली थी और मिशन रानीगंज के लिए उनके पास लगभग 33 लाख रुपए का बकाया था बाद में वासु भगनानी ने कुछ समय मांगा और कहा कि भुगतान और कहा कि भुगतान एक महीने के भीतर पूरा कर दिया जाएगा हमारे कुलीन श्रमिक और फिर संघ के लिए भुगतान का एक हिस्सा एक महीने के बाद किया गया था लेकिन तीनू देसाई का भुगतान अभी भी लंबित चल रहा है इस तरह उन्होंने निर्देशक अली अब्बास जफर की एक और शिकायत का भी जिक्र किया जिन्होंने अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ स्टार बड़े मियाँ छोटे मियाँ के निर्देशन के लिए अपनी फीस नहीं दी है अभी तक इसका भी खुलासा किया गया उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी हो रही है और उचित जो है प्रतिक्रिया नहीं मिली है इसलिए इस दौरान हम इंतज़ार कर रहे थे और फिर जो है हमें अली जफ़र से 7.5 करोड़ की शिकायत मिली वहीं पे एफ आई एफ आई सी ई के अध्यक्ष ने ये भी दावा किया कि अन्य जो है भुगतान लंबी चल रही है जैसे निर्देशक विकास बहल जिन्हें जो है गणपत के लिए भी 2.5 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया है अभी तक कि वासु भगनानी ने कुली नंबर वन हीरो नंबर वन प्यार किया तो डरना किया बड़े मियाँ छोटे मियाँ बीवी नंबर वन तेरा जादू चल गया मुझे कुछ कहना है रहना है तेरे दिल में दीवानापन और फिर जो है ओम जय जैसी जो फिल्मों का निर्माण किया है जगदीश उन्होंने जीना सिर्फ मेरे लिए और फिर जो है सिर्फ जीत जो है वेलकम टू न्यूयॉर्क और फिर जो है बेल बो बेल बॉटन जैसी फिल्मों का निर्माण इन्होंने किया हुआ है तो दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको काफ़ी जानकारी दे दी है अब आइए देवरा के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने शेयर करते हैं वही दोस्तों बता दें कि देवरा पार्ट वन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा अभी धमाका मचा रहा है आइए जानते हैं कि अभी तक इस फिल्म ने कितनी कारोबार कर लिया है बॉक्स ऑफिस के ऊपर कुराटाला टाला सिवा की तेलुगु फिल्म देवरा पार्ट वन ने बॉक्स ऑफिस पर न केवल भारत में बल्कि दोस्तों विश्व स्तर पर भी शानदार शुरुआत की है जूनियर एनटीआर और फिर सैफ अली खान के मुख्य भूमिका वाली इस एक्शन फिल्म ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग डे में से एक का दर्जा हासिल किया है और ओपनिंग वीकेंड के बाकी दिनों में भी अपनी जो है गति बनाए रखी है इसी के साथ दोस्तों बता दें कॉमे स्कोर के अनुसार ये फिल्म इस यानी कि वेकेंड पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फिल्म में की सूची में शामिल हो सकती है वहीं दोस्तों देवरा पार्ट वन सत्ताईस सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और फिल्म के निर्माता ने एक बयान जारी करके बताया था कि इसने दुनिया भर में अपने पहले दिन एक करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ता में दोस्तों कॉमी स्कोर के अनुसार फिल्म ने दुनिया भर में अपने शुरुआती हफ्ता में 32 मिलियन से अधिक की कमाई किया है जो कि हम रुपए में देखें तो दो करोड़ से अधिक की कमाई की है जो कि इसे वैश्विक स्तर पर सभी फिल्मों में दूसरे स्थान पर रखता है और फिर यहाँ पे देवरा केवल द वाइल फिर रोबोट से पीछे है जिसने एक हफ्ते में चवालीस मिलियन से ज्यादा की कमाई किया हुआ है वहीं दोस्तों एक महिला ने मेट्रो में तमन्ना भाटिया के गाने आज की रात पर नृत्य किया जिससे ऑनलाइन मिश्रित जो है प्रतिक्रिया सामने आई है कुछ लोगों ने इसे पसंद किया जबकि अन्य ने इसे अनुचित भी माना है वहीं सोशल मीडिया के दौरान में सोशल मीडिया के दौर में दोस्तों मेट्रो यहां पे ट्रेन वायरल जो है पलों के लिए जो है अप्रतिषित जो है मंच बनाया गया है यात्रियों द्वारा रील बनाने से लेकर तीखी नोक झुक तक जो है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अक्सर जो है सुर्खियों में रहा है इस बार ये एक महिला का वीडियो सभी के सामने तेजी से वायरल हुआ है जिसमें वह स्त्री टू फिल्म की मशहूर गाने आज की रात पर डांस कर रही है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है वायरल क्लिप ने कई लोगों को विभाजित कर दिया और कुछ लोग डायल्स की सराहना कर रहे हैं जबकि अन्य लोग इस कृत्य की अनुचित भी कर रहे हैं खिलाफ खिलाफी आवाज़ उठा रहे हैं इस तरह से इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम के ऊपर पहले आ, पहले से ही दोस्तों सहेली रुद्रा नाम की यूजर ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें वह मेट्रो कोच के बीच में आज की रात गाने की जोरदार जो है धुनों पर डांस करते हुई नजर आ रही है अपने कैप्शन में महिला ने बताया कि ये जो है यानी कि परफे ये जो है परफॉर्मेंस लोगों की मांग पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है क्लिप में यात्री उसकी परफॉर्मेंस देख रही है जिसमें कुछ है, यात्री खुश नजर आ रही है जबकि अन्य सार्वजनिक जो है स्थान पर इस यानी कि अप्रत्याशित प्रदर्शन से परेशान होकर काम कर रहे हैं जैसे ही दोस्तों महिला संगीत के धुन पर जो है झूमती है कुछ यहाँ पे सह यात्री सीधे कैमरे की ओर जो, जो, जो भी है दिखाई देती हुई नजर आती है जबकि अन्य लोग आंख मिलाने से बच रहे हैं जो असहज अस प्रतीत होता है हालांकि इस पल हालांकि इस पल ने जो है ऑनलाइन जो है बहुत छेड़ दी है कि कृष्णात्मक जो है अभिव्यक्तित फिर सार्वजनिक जो है धान के बीच जो है रेखा कहाँ से खींचा गया है इसी साथ दोस्तों आगे ये भी बताया गया है कि ये वीडियो तीन दिन पहले पोस्ट किया गया था और अब तक जो है इंस्टाग्राम पर इसे आठ लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है साथ ही इस बार जो है कई कमेंट भी किए गए हैं कुछ यूजर्स ने ये वीडियो मनोरंजन मनोरंजन लगा है कुछ को इससे कुछ को इसके ऊपर जो है प्रदर्शन अपनी जो है नाराजगी जताई है इसी साथ दोस्तों ऑनलाइन जो है समुदाय ने नृत्य प्रदर्शन पर अपनी राय व्यक्त करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी किया है कि लोग अपनी जगह अपनी जगह की जो समझ खो रहे हैं ये नृत्य प्रदर्शन की सही जगह नहीं हो सकती है एक अन्य ने कहा कि हर कोई यह आपके मनोरंजन के लिए नहीं कृपया यानी कि सावधान रहे एक अनुयायी ने इसके विपरीत राय दी है जिसने कहा कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रही है अगर इससे खुशी मिलती है तो नृत्य क्यों नहीं करे हालांकि सभी लोग सार्वजनिक जो है प्रदर्शन के पक्ष में नहीं थे एक एक यहाँ पे नेतीजन ने टिप्पणी किया है कि अगर मैं उस कोच में होता तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती जबकि दूसरों ने कहा कि ये कोई मंच नहीं है ये सार्वजनिक परिवहन है कुछ लोग बस काम पर जो है जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पे डांस करके बाधा डालना थोड़ी सी दिक्कत वाली बातें इनके लिए हो सकती है फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम शैम्बू फिल्म को लेकर बात कर रहे थे इसी के साथ दोस्तों शैम्बू फिल्म का फर्स्ट पोस्ट रिलीज किया जा चुका है अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नए वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू तो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मई फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है स्वयंभू तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वयंभी मूवीज़ की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इस फिल्म को बनाने में कितना रुपया लगेगा इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म जब इंडिया में रिलीज होगा तो बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर सकता है साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को थोड़ा सा बताएंगे कि फिल्म की कहानी कैसी हो सकती है दोस्तों अगर आप लोग शैम्बू फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो साथ ही साथ फिल्म की कहानी को भी जानना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोई फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम बात करने की कोशिश करते हैं स्वयंबू फिल्म के बारे में दोस्तों कुछ समय पहले अभिनेत्री संयुक्ता ने अपना जन्मदिन भारत कृष्णमचार्य द्वारा निर्देशित और निखिल सिद्धार्थ अभिनेत स्वयंबू से अपनी योद्धा लुक का अनावरण करके इन्होंने मनाया है उन्होंने दोस्तों पैरा नॉर्मल थ्रिलर बी में भी इन्होंने आगे बताया है अभिनेत्री संयुक्ता ने आज 11 सितंबर अपने प्रशंसकों को एक विशेष आश्चर्य दिया जब उन्होंने भरत कृष्णाचार्य द्वारा निर्देशित और निखिल सिद्धार्थ अभिनेत बहुप्रतिष्ठित स्वयं से अपने भयंकर योद्धा के लुक को इन्होंने अनावरण कर दिया सभी के सामने अब निर्माता ने दोस्तों आज उनके जन्मदिन पर जो है पोस्टर का खुलासा किया और उनके इंस्टाग्राम पर भी साझा किए गए एक शक्तिशाली पोस्टर में एक दृढ़ और फिर कुशल योद्धा के रूप में उनका नया अवतार दिखाया गया है जो दोस्तों धनुष और फिर तीर के साथ योद्धा का सामना करने के लिए बिल्कुल अभिनेत्री तैयार है वही पोस्टर की पृष्ठभूमि में दोस्तों तीव्रता झलकती हुई दिखाई देती है जिसमें धूल और फिर अराजकता से घिरा हुआ योद्धा का मैदान युद्ध का मैदान आपको देखने को मिलता है जो कि फिल्म के उच्च दाव वाले एक्शंस की झलक देखने को मिलती है उनकी अडिग निगाहें मजबूत रुख और फिर योद्धा कवच उनकी भूमिका की गंभीरता को बढ़ावा देती है जबकि उनके पीछे एक लाल एक लाल लबादा नाटकीय रूप से लहटता हुआ दिखाई देता है जो कि वीरतापूर्ण आभा को बढ़ावा देता है ये सीन इसी साथ के साथ दोस्तों पोस्टर के साथ स्वयंभू के निर्माता ने संयुक्ता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है जिससे उन्होंने अपने पोस्ट में स्वीकार किया और फिल्म से दोस्तों अपने गहरे जुड़ाव को व्यक्तित किया और उन्होंने उल्लेख किया है कि स्वयंभू मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है और इसने मुझे चुनौतियों को स्वीकार करने और उन पर विजय पाने के लिए प्रेरित किया मुझे नए कौशल सीखने पर मजबूर किया है और अभी भी मैं सीख रही हूँ इस फिल्म के लिए कुछ कलाएँ और यहाँ पे हत्या करना एक कला है और वह इसकी रानी है इस तरह की शुभकामनाओं के लिए भी धन्यवाद उन्होंने पूरी टीम को दिया है इससे पहले निर्माता ने दोस्तों लुधिर यानी कि बैरिटी द्वारा निर्देशित की गई एक पैरा नॉर्मल थ्रिलर जो है बी एस एस बारत से उनका लुक भी जारी किया था लेकिन यहाँ पे बिलमकुंडा साई श्रीनिवास अभिनीत ये फिल्म 400 साल पुराने जो है दशा दशा दशावतार मंदिर के रहस्य को उजागर कर दी है संपता ने मुख्य महिला किरदार निभाया है जो उनके लगातार बढ़े जो उनके लगातार बढ़ते प्रदर्शन की सूची में एक रहस्यमय पहलू जोड़ता है इन प्रमुख परियोजनाओं के अलावा संयुक्ता के प्रशंसकों को एक और घोषणा की गई है जो कि दोस्तों बता दें सर्वानंद की सैंतीसवीं फिल्म में उनकी भूमिका जो है जिसका जो है शीर्षक स्थायी रूप से जो है यानी कि सार्व सैतीस रखा गया जिसे जो है राम अब राज्य द्वारा निर्देशित किया जाएगा ये यहाँ पे त्रिपट जो है यानी कि पुलासा उद्योग में जो है संयुक्त संयुक्त के बढ़ते जो है प्रभाव को दर्शाती है क्योंकि वह विभिन्न जो है शैलियों और भूमिकाओं के बीच सहजता से बदलाव करती है जिससे दोस्तों एक अभिनेत्री के रूप में उनकी जो है बहुमुखी प्रतिभा साबित होती हुई फिल्म के अंदर दिखाया जाता है तो दोस्तों बता दें बिला शक की स्वयंभू फिल्म एक जबरदस्त एक योद्धा वाली फिल्म होने वाली है जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा एक्शन भरपूर मारधर सीन्स आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकता है फिलहाल दोस्तों इस फिल्म की कुछ ही तस्वीरें लिख की गई है सामने आया है इसकी कुछ तस्वीरें कुछ अननोन चीजों को बताया गया अभी दोस्तों क्या कहानी हो सकती है फिल्म की इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी ज्यादा कुछ सामने इसके बारे में नहीं लिखा गया है लेकिन दोस्तों आप लोग वीडियो में एंड तक तो जरूर बन रहिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को भी बताने वाले हैं है दोस्तों शैंबू एक आगामी पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें निखिल सिद्धार्थ मुख्य भूमिका में आने वाले हैं वही भरत कृष्णमचार्य द्वारा निर्देशित की गई इस फिल्म में संयुक्त और नाभा नटेश मुख्य महिला भूमिका निभाएंगी निर्माता ने आधिकारिक तौर पर घोषणा किया है कि फिल्म के लिए संगीत सत्र अभी चल रही है जिसमें बता दें कि के जो है सनसनी रवि बसरूर और फिर जो है गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं घोषणाओं को चिन्हित करने के लिए दोस्तों सरस्वती पोद्रा फिर जो है राम जोग्या शास्त्री और फिर जो भरत कृष्णचारी के साथ जो संगीतकार की एक तस्वीर जारी की गई है इस बीच फिल्म की शूटिंग जारी है इसी साथ दोस्तों बता दें पिक्सल स्टूडियो के तहत जो है भुवन और फिर जो है श्री द्वारा निर्मित और फिर जो है टैगोर मथु द्वारा प्रस्तुत की गई शंभू एक महत्वाकांक्षी परियोजना बनने जा रही है ये सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में रिलीज होने वाली है इस आकर्षक फिल्म के बारे में और अधिक रोमांचक जो है अपडेट के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा अभी दोस्तों फ़िल्म के रिलीज़ डेट के बारे में हम बात करें तो अभी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि ये फ़िल्म इंडिया में कब तक रिलीज़ हो सकता है क्योंकि दोस्तों अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है अभी दोस्तों फिल्म की जस्ट कुछ तस्वीरें सामने सोशल मीडिया पर रखा गया है फिल्म की कुछ न्यू अपडेट्स दे गई है कि हमने फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया है लेकिन दोस्तों फिल्म की शूटिंग कब तक समाप्त होगी कितनी परसेंट फिल्म की शूटिंग हो चुकी है इसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी और अपडेट हमारे सामने नहीं आया हुआ है इस फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री संयुक्ता ने, ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस मूवीज का कुछ तस्वीरें कुछ एक्शन सीन्स को पोस्ट किया है जिसपे दर्शक काफी ज्यादा उत्साहित होकर कॉमेंट कर रहे हैं इस शिक्षा दोस्तों निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी पीरियड एक्शन फिल्म स्वयंभू के लिए हैदराबाद में एक रोमांचक एक्शन एपिसोड शूर की शूटिंग कर रहे हैं भारत कृष्णमचारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संयुक्ता और नाफा नटेश भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है आइए जानने की कोशिश करते हैं कि निखिल के न्यूनतम शेड्यूल पर निर्माताओं को कितना खर्च करना पड़ रहा है और ये कितनी बड़ी फिल्म हो सकती है दोस्तों बता दें प्रेस नोट में निर्माता ने दावा किया है कि स्वयंभू का अगला शेड्यूल 12 दिनों में पूरा होगा जिसमें बता, जिसे बताया गया है कि वेथ नामी लड़कों सहेज जो है सात सौ कलाकार शामिल होंगे और निर्माता ने इस पर 8 करोड़ खर्च किया है अभी तक निर्माता ने यह भी बताया कि इस अवसर के लिए लगाए गए दो बड़े सेटों पर एक युद्ध दृश्य फिल्माया जा रहा है उनका दावा है कि ये फिल्म का एक प्रमुख आकर्षण होने जा रहा है जो दर्शकों को स्क्रीन पर इसे देखने पर उत्साह का एक महसूस और एक एहसास करवाएगा अपडेट के साथ दोस्तों निर्माता ने निखिल का एक नया पोस्टर भी साझा किया जिसमें वह भीड़ के सामने खड़े होकर जो है कैमरों की ओर जो है पीट करके पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वह किसी फाइटिंग जो है रिंग में प्रवेश कर रहे हैं यहीं पे दोस्तों दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है निखिल ने अपने इंस्टाग्राम पर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी साझा किया जिसमें टीम जिसमें जो है टीम में एक नए सदस्य के शामिल होने की जानकारी दी गई है शैम्पू स्पेशल जो है बिग स्क्रीन और फिर जो है एक्स से एक सारी की पीरियंस लोड होने जा रही है कुछ है क्रेजी वार एक्शन सीन्स की शूटिंग चल रही है जल्दी और दोस्तों आपको बता दें कि सरप्राइज़ देखने को मिलेंगे इसमें दुनिया के सबसे जो है बेहतरीन यानी कि टेक्नीसियन जो है फिल्म फेयर का टीम में शामिल होना भी एक शामिल का चीज़ भरा चीज़ आपको इस फिल्म के अंदर होने वाला है इस तरह से दोस्तों के जी और सलाट जो है फेम रबी बसरूर फिल्म का संगीत तैयार कर रहे हैं जबकि यहाँ पे सनवा जो है वासुदेव उनके अलावा मुनप्पा गिरी ने लिखा है और विजय विजय कमिश शेट्टी शाह निर्देशक रहे हैं इस मूवीज़ के वहीं निखिल को आखिर बार दोस्तों आखिरी बार 2023 की फिल्म जो है स्पाई में देखा गया था जो बॉक्स ऑफिस पर और दर्शकों के बीच अपनी जो है छाप छोड़ने में विफल रहे उन्होंने स्वयंभू में अपने किरदार के लिए दोस्तों हथियारों और मार्शल आर्ट और फिर जो घोड़सवारी का प्रशिक्षण भी लिया था स्वयंभू के अलावा निखिल चंदू और फिर जो है मोडेटी की फ़िल्म के अंदर जो है कार्तिक या तीन में जो है अभिनय करेंगे जिसमें दोस्तों वहाँ रोमांस पर जो है जाने वाले हैं यहाँ पे डॉक्टर की अपनी जो भूमिका को फिर से जो है दोहराएंगे इस मूवीज़ के अंदर इसी के साथ दोस्तों आगे बता दें कि कल रात दोस्तों हमारे कई जो है पसंदीदा जो है सेलिब्रिटी अबू धाबी के यसा आईलैंड में आयोजित किए गए एक अवार्ड शो के लिए एक छत के नीचे एकत्र हुए थे ये मौज मस्ती और फिर जो है प्रशंसनीय प्रदर्शन के जश्न के साथ जश्न की शाम थी जिसे हमने जो है इस साल की जो है सिल्वर स्क्रीन पर देखा हुआ है अवार्ड शो का एक प्रमुख आकर्षण जो सोशल मीडिया पर सामने आया हुआ अभिनेता बॉबी देवल की जो है दिल को छू लेने वाली जो है प्रतिक्रियाएँ हैं जब उन्होंने 2023 में अबरार हक की भूमिका के लिए जो है नेगेटिव रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार का इन्होंने हकदार बना था वहीं अपनी जो है पत्नी यानी कि तानिया देवल द्वारा झुमने के बाद जो है मंच पर जाते समय उनकी जो आंखें में आंसू आ गई थी इस अवार्ड को लेते समय वही दोस्तों अभिनेता को ट्रॉफ़ी मिलते ही दर्शक जो है खुशी से झूम उठे थे खुशी से झूमने झूमने से खुद को नहीं रोक पाए थे प्रशंसकों को उनकी इच्छा के अनुसार उनकी जीत का जश्न मनाते हुए बॉबी देवल ने अपने सिर पर जो है गिलास यानी कि रखकर और फिर जो है नाचते हुए अपने प्रतिष्ठित जो है हुक स्टेप को फिर से जो है बनाया और खैर बॉबी की जीत के बाद जो है नेटिजन्स खुशी से झूम उठे और फिर जो है सुपर स्टार जो है शाहरुख खान को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया बहुत जो है अलग थी और गुस्से वाले जो है ट्वीट्स को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ प्रशंसकों को लगता है कि अभिनेता रणबीर कपूर इस पुरस्कार के अधिक हकदार थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह मीडिया से बात करते समय दोस्तों तब जो है चल गई जब उस जब उनसे जो है उनके ससुर निर्माता वासु भगनानी के बारे में पूछा गया था पिछले कुछ महीनों से दोस्तों भगनानी पर बकाया जो है भुगतान न करने के आरोप लगाए गए हैं अब न्यूज़ 18 द्वारा जो है साझा किए गए एक वीडियो में रकुल प्रीत अर, अर, रकुल प्रीत को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी जो है इफा अवार्ड 2024 के ग्रेन ग्रीन जो है कॉरपोरेट पर जो है टेलीविजन और ओ टी टी प्लेटफॉर्मों के बारे में बोलते हुए दिखाया गया ये भी बताया गया है वहीं क्लिप में रकुल प्रीत से पूछा गया था दे प्यार दे फिल्म की शूटिंग कैसे चल रही है तो उन्होंने उस वक्त अच्छा जवाब दिया था इसके बारे में दोस्तों ये खबर 2023 के जो कि इस वीडियो में बताया जा रहा है वही दोस्तों आपको बता दें रकुल प्रीत सिंह ने इसके ऊपर भी काफ़ी जमकर जवाब दिया था वही आगे बता दें क्लिप में रकुल प्रीत से पूछा गया था दे दे प्यार दे टू की शूटिंग कैसे चल रही है इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था बहुत बढ़िया इसकी शूटिंग आगे बढ़ रही है इसके बाद फिर एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा वासु सर के बारे में मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स है और बहुत से लोगों ने कहा है कि इस पर अकुलप्रीत ने मुस्कुराना बंद कर दिया और सॉरी कहकर वहाँ से वो चली गई वहीं वासु भगनानी और उनके प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट पर उनकी कई जो है फिल्मों के क्रू मेम्बर्स को बताया गया वही भुगतान न करने के आरोप लगाए गए कुछ महीने पहले जो यहाँ पे फेडरेशन ऑफ यानी कि वेस्टर्न इंडिया सिनेमा और फिर जो एम प्लस पर जवाब दिया गया था इसी तरह दोस्तों कुछ दिन पहले बी तिवारी ने वासु भगनानी के खिलाफ शिकायतों के बारे में खुलासा करके बात की थी वही समाचार एजेंसी ए के अनुसार उन्होंने कहा था हमें सबसे पहले टीनू देसाई से शिकायत मिली थी और मिशन रानीगंज के लिए उनके पास लगभग 33 लाख रुपए का बकाया था बाद में वासु भगनानी ने कुछ समय मांगा और कहा कि भुगतान और कहा कि भुगतान एक महीने के भीतर पूरा कर दिया जाएगा हमारे कुलीन श्रमिक और फिर संघ के लिए भुगतान का एक हिस्सा एक महीने के बाद किया गया था लेकिन तीनों देसाई का भुगतान अभी भी लंबित चल रहा है इस तरह उन्होंने निर्देशक अली अब्बास जफर की एक और शिकायत का भी जिक्र किया जिन्होंने अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ स्टार बड़े मिया छोटे मियाँ के निर्देशन के लिए अपनी फीस नहीं दी है अभी तक इसका भी खुलासा किया गया उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी हो रही है और उचित जो है प्रतिक्रिया नहीं मिली है इसलिए इस दौरान हम इंतज़ार कर रहे थे और फिर जो है हमें अली जफ़र से 7.5 करोड़ की शिकायत मिली वहीं पे एफ आई एफ आई सी ई के अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि अन्य जो है भुगतान लंबी चल रही है जैसे निर्देशक विकास बहल जिन्हें जो है गणपत के लिए भी 2.5 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया है अभी तक वाशु भगनानी ने कुली नंबर वन हीरो नंबर वन प्यार किया तो डरना किया बड़े मियाँ छोटे मियाँ बीवी नंबर वन तेरा जादू चल गया मुझे कुछ कहना है रहना है तेरे दिल में दीवानापन और फिर जो है ओम जय जैसी जो फिल्मों का निर्माण किया है जगदीश उन्होंने जीना सिर्फ मेरे लिए और फिर जो है सर्भ जीत जो है वेलकम टू न्यूयॉर्क और फिर जो है बेल बो बेल बोटन जैसी फिल्मों का निर्माण इन्होंने किया हुआ है तो दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको काफ़ी जानकारी दे दी है अब आइए देवरा के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने शेयर करते हैं वही दोस्तों बता दें कि देवरा पार्ट वन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा अभी धमाका मचा रहा है आइए जानते हैं कि अभी तक इस फिल्म ने कितनी कारोबार कर लिया है बॉक्स ऑफिस के ऊपर कुरटाला सिवा की तेलुगु फिल्म देवरा पार्ट वन ने बॉक्स ऑफिस पर न केवल भारत में बल्कि दोस्तों विश्व स्तर पर भी शानदार शुरुआत की है जूनियर एन और फिर सैफ अली खान के मुख्य भूमिका वाली इस एक्शन फिल्म ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग डे में से एक का दर्जा हासिल किया है और ओपनिंग वीकेंड के बाकी दिनों में भी अपनी जो है गति बनाए रखी है इसी के साथ दोस्तों बता दें कॉमे स्कोर के अनुसार ये फिल्म इस यानी कि वेकेंड पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में की सूची में शामिल हो सकती है वहीं दोस्तों देवरा पार्ट वन सत्ताईस सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फिल्म के निर्माता ने एक बयान जारी करके बताया था कि इसने दुनिया भर में अपने पहले दिन एक करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ता में दोस्तों कौमी स्कोर के अनुसार फिल्म ने दुनिया भर में अपने शुरुआती हफ्ता में 32 मिलियन से अधिक की कमाई किया है जो कि हम रुपए में देखें तो दो करोड़ से अधिक की कमाई की है जो कि इसे वैश्विक स्तर पर सभी फिल्मों में दूसरे स्थान पर रखता है और फिर यहाँ पे देवरा केवल द वाइल्ड फिर रोबोट से पीछे है जिसने एक हफ्ते में चवालीस मिलियन से ज्यादा की कमाई किया हुआ है वहीं दोस्तों एक महिला ने मेट्रो में तमन्ना भाटिया के गाने आज की रात पर नृत्य किया जिससे ऑनलाइन मिश्रित जो है प्रतिक्रिया सामने आई है कुछ लोगों ने इसे पसंद किया जबकि अन्य ने इसे अनुचित भी माना है वहीं सोशल मीडिया के दौरान में सोशल मीडिया के दौर में दोस्तों मेट्रो यहां पे ट्रेन वायरल जो है पलों के लिए जो है अप्रतिशित जो है मंच बनाया गया है यात्रियों द्वारा हरील बनाने से लेकर तीखी नोक झुक तक जो है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अक्सर जो है सुर्खियों में रहा है इस बार ये एक महिला का वीडियो सभी के सामने तेजी से वायरल हुआ है जिसमें वह स्त्री टू फिल्म की मशहूर गाने आज की रात पर डांस कर रही है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है वायरल क्लिप ने कई लोगों को विभाजित कर दिया और कुछ लोग डांस की सराहना कर रहे हैं जबकि अन्य लोग इस कृत्य की अनुचित भी कर रहे हैं इसके खिलाफी आवाज़ उठा रहे हैं इस तरह से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के ऊपर पहले आ, पहले से ही दोस्तों सहेली रुद्रा नाम की यूजर ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें वह मेट्रो कोच के बीच में आज की रात गाने की जोरदार जो है दोनों पर डांस करते हुए नज़र आ रही है अपने कैप्शन में महिला ने बताया कि ये जो है यानी कि परफ ये जो है परफॉर्मेंस लोगों की मांग पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है क्लिप में यात्री उसकी परफॉर्मेंस देख रही है जिसमें कुछ है यात्री खुश नज़र आ रही है जबकि अन्य सार्वजनिक जो है स्थान पर इस यानी कि अप्रत्याशित प्रदर्शन से परेशान होकर काम कर रहे हैं जैसे ही दोस्तों महिला संगीत की धुन पर जो है झूमती है कुछ यहाँ पे सह यात्री सीधे कैमरे की ओर जो, जो भी है दिखाई देती हुई नजर आती है जबकि अन्य लोग आंख मिलाने से बच रहे हैं जो असहज अस प्रतीत होता है हालांकि इस पल हालांकि इस पल ने जो है ऑनलाइन जो है बहुत छेड़ दी है कि कृष्णात्मक जो है अभिव्यक्तित और फिर सार्वजनिक जो है व्यवधान के बीच जो है रेखा कहां से खींचा गया है इसी साथ दोस्तों आगे ये भी बताया गया है कि ये वीडियो तीन दिन पहले पोस्ट किया गया था और अब तक जो इंस्टाग्राम पर इसे आठ लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है साथ ही इस बार जो है कई कमेंट भी किए गए हैं कुछ यूजर्स ने ये वीडियो मनोरंजन मनोरंजन लगा है कुछ को इससे कुछ को इसके ऊपर जो है प्रदर्शन अपनी जो है नाराज़गी जताई है इसी के साथ दोस्तों ऑनलाइन जो है समुदाय ने नृत्य प्रदर्शन पर अपनी राय व्यक्त करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी किया है कि लोग अपनी जगह अपनी जगह की जो समझ खो रहे हैं ये नृत्य प्रदर्शन की सही जगह नहीं हो सकती है एक अन्य ने कहा कि हर कोई यह आपके मनोरंजन के लिए नहीं कृपया यानी कि सावधान रहे एक अनुयायी ने इसके विपरीत राय दी है जिसने कहा कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रही है अगर इससे खुशी मिलती है तो नृत्य क्यों नहीं करे हालांकि सभी लोग सार्वजनिक जो है प्रदर्शन के पक्ष में नहीं थे एक ए, एक यहाँ पे नतीजन ने टिप्पणी किया है कि अगर मैं उस कोच में होता तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती जबकि दूसरों ने कहा कि ये कोई मंच नहीं है ये सार्वजनिक परिवहन है कुछ लोग बस काम पर जो है जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पे डांस करके बाधा डालना थोड़ी सी दिक्कत वाली बातें इनके लिए हो सकती है फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम शैम्बू फिल्म को लेकर बात कर रहे थे इसी के साथ दोस्तों शैम्बू फिल्म का फर्स्ट पोस्ट रिलीज किया जा चुका है अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नए वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू टी सोनो तो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी एफेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है स्वयंभू तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वम्बी मूवीज़ की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इस फिल्म को बनाने में कितना रुपया लगेगा इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म जब इंडिया में रिलीज़ होगा तो बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर सकता है साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस मूवी के रिलीज़ डेट के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ दोस्तों फिल्म नज़र आने वाले मुख्य कास्ट के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को थोड़ा सा बताएंगे कि फिल्म की कहानी कैसी हो सकती है दोस्तों अगर आप लोग सैम्बो फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो साथ ही साथ फिल्म की कहानी को भी जानना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम बात करने की कोशिश करते हैं स्वयं फिल्म के बारे में दोस्तों कुछ समय पहले अभिनेत्री संयुक्ता ने अपना जन्मदिन भारत कृष्णमचारी द्वारा निर्देशित और निखिल सिद्धार्थ अभिनेत स्वयं से अपने योद्धा लुक का अनावरण करके इन्होंने मनाया है उन्होंने दोस्तों पैरा नॉर्मल थ्रिलर बीए में भी इन्होंने आगे बताया है अभिनेत्री संयुक्ता ने आज 11 सितंबर अपने प्रशंसकों को एक विशेष आश्चर्य दिया जब उन्होंने भरत कृष्णाचार्य द्वारा निर्देशित और निखिल सिद्धार्थ अभिनीत बहुप्रतिष्ठित फिल्म स्वयंभू से अपने भयंकर योद्धा के लुक को इन्होंने अनावरण कर दिया सभी के सामने अब निर्माता ने दोस्तों आज उनके जन्मदिन पर जो है पोस्टर का खुलासा किया और उनके इंस्टाग्राम पर भी साझा किए गए एक शक्तिशाली पोस्टर में एक दृढ़ और फिर कुशल योद्धा के रूप में उनका नया अवतार दिखाया गया है जो दोस्तों धनुष और फिर तीर के साथ योद्धा का सामना करने के लिए बिल्कुल अभिनेत्री तैयार है वही पोस्टर की पृष्ठभूमि में दोस्तों तीव्रता झलकती हुई दिखाई देती है जिसमें धूल और फिर अराजकता से घिरा हुआ योद्धा का मैदान युद्ध का मैदान आपको देखने को मिलता है जो कि फिल्म के उच्च दाव वाले एक्शन की झलक देखने को मिलती है उनकी अडिग निगाहें मजबूत रुख और फिर योद्धा कवच उनकी भूमिका की गंभीरता को बढ़ावा देती है जबकि उनके पीछे एक लाल एक लाल लबादा नाटकीय रूप से लहटता हुआ दिखाई देता है जो कि व्यरतापूर्ण आभा को बढ़ावा देता है ये सीन इसी साथ के साथ दोस्तों पोस्टर के साथ स्वयंभू के निर्माता ने संयुक्ता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है जिससे उन्होंने अपने पोस्ट में स्वीकार किया और फिल्म से दोस्तों अपने गहरे जुड़ाव को व्यक्तित किया और उन्होंने उल्लेख किया है कि स्वयंभू मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है और इसने मुझे चुनौतियों को स्वीकार करने और उन पर विजय पाने के लिए प्रेरित किया मुझे नए कौशल सीखने पर मजबूर किया है और अभी भी मैं सीख रही हूँ इस फिल्म के लिए कुछ कलाएँ और यहाँ पे हत्या करना एक कला है और, और वह इसकी रानी है इस तरह की शुभकामनाओं के लिए भी धन्यवाद उन्होंने पूरी टीम को दिया है इससे पहले निर्माता ने दोस्तों लुधिर यानी कि बैरिटी द्वारा निर्देशित की गई एक पैरा नॉर्मल थ्रिलर जो है बी एस एस से उनका लुक भी जारी किया था लेकिन यहाँ पे बिलमकुंडा साई श्रीनिवास अभिनीत ये फिल्म 400 साल पुराने जो है दशा दशा दशावतार दशा मंदिर के रहस्य को उजागर कर दी है संयुक्ता ने मुख्य महिला किरदार निभाया है जो उनके लगातार बढ़े जो उनके लगातार बढ़ते प्रदर्शन की सूची में एक रहस्यमय पहलू जोड़ता है इन प्रमुख परियोजनाओं के अलावा संयुक्ता के प्रशंसकों को एक और घोषणा की गई है जो कि दोस्तों बता दें सर्वानंद की सैंतीसवीं फिल्म में उनकी भूमिका जो है जिसका जो है शीर्षक स्थायी रूप से जो है यानी कि सार्व सैंतीस रखा गया जिसे जो है राम अब राज्य द्वारा निर्देशित किया जाएगा ये यहाँ पे त्रिपट जो है यानी कि पुलासा उद्योग में जो है संयुक्त संयुक्ता के बढ़ते जो है प्रभाव को दर्शाती है क्योंकि वह विभिन्न जो है शैलियों और भूमिकाओं के बीच सहजता से बदलाव करती है जिससे दोस्तों एक अभिनेत्री के रूप में उनकी जो है बहुमुखी प्रतिभा साबित होती हुई फिल्म के अंदर दिखाया जाता है तो दोस्तों बता दें बिला शक की स्वयंभू फिल्म एक जबरदस्त एक योद्धा वाली फिल्म होने वाली है जिसमें दोस्तों आपको काफी ज्यादा एक्शन भरपूर मारधार सीन्स आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकता है फिलहाल दोस्तों इस फिल्म की कुछ ही तस्वीरें लिख की गई है सामने आया है इसकी कुछ तस्वीरें कुछ अननोन चीजों को बताया गया अभी दोस्तों क्या कहानी हो सकती है फिल्म की इसके बारे में डिटेल में ज़्यादा डिटेल हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ सामने इसके बारे में नहीं लिखा गया है लेकिन दोस्तों आप लोग वीडियो में एंड तक तो जरूर बना रहिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को भी बताने वाले हैं है दोस्तों शैम्बू एक आगामी पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें निखिल सिद्धार्थ मुख्य भूमिका में आने वाले हैं वही भरत कृष्णमचार्य द्वारा निर्देशित की गई इस फिल्म में संयुक्त और नाभा नटिस मुख्य महिला भूमिका निभाएंगी निर्माता ने आधिकारिक तौर पर घोषणा किया है कि फिल्म के लिए संगीत सत्र अभी चल रही है जिसमें बता दें कि के जो है सनसनी रवि बसरूर और फिर जो है गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं घोषणाओं को चिन्हित करने के लिए दोस्तों सरस्वती पोद्रा फिर जो है राम शास्त्री और फिर जो भरत कृष्ण के साथ जो संगीतकार की एक तस्वीर जारी की गई है इस बीच फिल्म की शूटिंग जारी है इसी साथ दोस्तों बता दें पिक्सल स्टूडियो के तहत जो है भुवन और फिर जो है श्रीकांत द्वारा निर्मित और फिर जो है टैगोर मथु द्वारा प्रस्तुत की गई शंभु एक महत्वाकांक्षी परियोजना बनने जा रही है ये सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में रिलीज होने वाली है इस आकर्षक फिल्म के बारे में और अधिक रोमांचक जो है अपडेट लिए आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अभी दोस्तों फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो अभी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि ये फिल्म इंडिया में कब तक रिलीज हो सकता है क्योंकि दोस्तों अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है अभी दोस्तों फिल्म की जस्ट कुछ तस्वीरें सामने सोशल मीडिया पर रखा गया है फिल्म की कुछ न्यू अपडेट्स दे गई है कि हमने फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया है लेकिन दोस्तों फिल्म की शूटिंग कब तक समाप्त होगी कितनी परसेंट फिल्म की शूटिंग हो चुकी है इसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी और अपडेट हमारे सामने नहीं आया हुआ है इस फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री संयुक्ता ने, ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस मूवीज का कुछ तस्वीरें कुछ एक्शन सीन्स को पोस्ट किया है जिसपे दर्शक काफी ज्यादा उत्साहित होकर कॉमेंट कर रहे हैं शिक्षा दोस्तों निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी पीरियड एक्शन फिल्म स्वयं के लिए हैदराबाद में एक रोमांचक एक्शन एपिसोड की शूटिंग कर रहे हैं भरत कृष्ण्य द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संयुक्त और नाफा नटेश भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है आइए जानने की कोशिश करते हैं कि निखिल के न्यूनतम शेड्यूल पर निर्माताओं को कितना खर्च करना पड़ रहा है और ये कितनी बड़ी फिल्म हो सकती है दोस्तों बता दें प्रेस नोट में निर्माता ने दावा किया है कि स्वयंभू का अगला शेड्यूल 12 दिनों में पूरा होगा जिसमें बता, जिसे बताया गया है कि बेथ्य नामी लड़कों सहित जो है सात सौ कलाकार शामिल होंगे और निर्माता ने इस पर 8 करोड़ खर्च किया है अभी तक निर्माता ने यह भी बताया कि इस अवसर के लिए लगाए गए दो बड़े सेटों पर एक युद्ध दृश्य फिल्माया जा रहा है उनका दावा है कि ये फिल्म का एक प्रमुख आकर्षण होने जा रहा है जो दर्शकों को स्क्रीन पर इसे देखने पर उत्साह का एक महसूस और एक एहसास करवाएगा अपडेट के साथ दोस्तों निर्माता ने निखिल का एक नया पोस्टर भी साझा किया जिसमें वह भीड़ के सामने खड़े होकर जो है कैमरों की ओर जो है पीट करके पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वह किसी फाइटिंग जो है रिंग में प्रवेश कर रहे हैं यहीं पे दोस्तों दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है निखिल ने अपने अपनेग्राम पर और पर पोस्ट भी साझा किया जिसमें टीम जिसमें जो है टीम में एक नए सदस्य के शामिल होने की जानकारी दी गई है स्वयं वो स्पेशल जो है बिग स्क्रीन और फिर जो है एक्स एक सेनि एक से की पीरियंस लोड होने जा रही है कुछ है क्रेजी वार एक्शन सीन्स की शूटिंग चल रही है जल्दी और दोस्तों आपको बता दें कि सरप्राइज़ देखने को मिलेंगे इसमें दुनिया के सबसे जो है बेहतरीन यानी कि टेक्नीशियन जो है फिल्म फेयर का टीम में शामिल होना भी एक शामिल का चीज़ भरा चीज़ आपको इस फिल्म के अंदर होने वाला है इस तरह से दोस्तों के जी एफ और सलाट जो है फेम रबी बसरूर फिल्म का संगीत तैयार कर रहे जबकि यहाँ पे जो है वासुदेव उनके अलावा मुनप्पा गिरी ने लिखा है और विजय विजय शेट्टी शाह निर्देशक रहे हैं इस मूवीज़ के वहीं निखिल को आखिर बार दोस्तों आखिरी बार 2023 की फिल्म जो है स्पाई में देखा गया था जो बॉक्स ऑफिस पर और दर्शकों के बीच अपनी जो है छाप छोड़ने में विफल रहे उन्होंने स्वयंभू में अपने किरदार के लिए दोस्तों हथियारों और मार्शल आर्ट और फिर जो है घोड़सवारी का प्रशिक्षण भी लिया था स्वयंभू के अलावा निखिल चंदू और फिर जो है मोडेटी की फ़िल्म के अंदर जो है कार्तिक या तीन में जो है अभिनय करेंगे जिसमें दोस्तों वह रोमांस पर जो है जाने वाले हैं यहाँ पे डॉक्टर की अपनी जो भूमिका को फिर से जो है दोहराएंगे इस मूवीज़ के अंदर इसी के साथ दोस्तों आगे बता दें कि कल रात दोस्तों हमारे कई जो है पसंदीदा जो है सेलिब्रिटी अबू धाबी के यसा आईलैंड में आयोजित किए गए एक अवार्ड शो के लिए एक छत के नीचे एकत्र हुए थे ये मौज मस्ती और फिर जो है प्रशंसनीय प्रदर्शन के जश्न के साथ जश्न की शांति जिसे हमने जो है इस साल की जो है सिल्वर स्क्रीन पर देखा हुआ है अवार्ड शो का एक प्रमुख आकर्षण जो सोशल मीडिया पर सामने आया हुआ अभिनेता बॉबी देओल की जो है दिल को छू लेने वाली जो है प्रतिक्रियाएं हैं जब उन्होंने 2023 में अबरार हक की भूमिका के लिए जो है नेगेटिव रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार का इन्होंने हकदार बना था वही अपनी जो है पत्नी यानी कि तानिया देवल द्वारा चुमने के बाद जो है मंच पर जाते समय उनकी जो आंखें में आंसू आ गई थी इस अवार्ड को लेते समय वही दोस्तों अभिनेता को ट्रॉफ़ी मिलते ही दर्शक जो है खुशी से झूम उठे थे खुशी से झूमने झूमने से खुद को नहीं रोक पाए थे प्रशंसकों को उनकी इच्छा के अनुसार उनकी जीत का जश्न मनाते हुए बॉबी देवल ने अपने सिर पर जो है गिलास यानी कि रखकर और फिर जो है नाचते हुए अपने प्रतिष्ठित जो है हुक स्टेप को फिर से जो है बनाया और खैर बॉबी की जीत के बाद जो है नेटिजन्स खुशी से झूम उठे और फिर जो है सुपरस्टार जो है शाहरुख खान को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया बहुत जो है अलग थी और गुस्से वाले जो है ट्वीट्स को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ प्रशंसकों को लगता है कि अभिनेता रणबीर कपूर इस पुरस्कार के अधिक हकदार थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह मीडिया से बात करते समय दोस्तों तब जो है चल गई जब उस जब उनसे जो है उनके ससुर निर्माता वासु भगनानी के बारे में पूछा गया था पिछले कुछ महीनों से दोस्तों वासु भगनानी पर बकाया जो है भुगतान न करने के आरोप लगाए गए हैं अब न्यूज 18 द्वारा जो है साझा किए गए एक वीडियो में रकुल प्रीत र, 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 रकुल प्रीत को अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी जो है इफा अवार्ड दो हजार के ग्रीन जो है कॉरपोरेट पर जो है टेलीविजन और ओ टी प्लेटफॉर्मों के बारे में बोलते हुए दिखाया गया ये भी बताया गया है वहीं क्लिप में रकुल प्रीत से पूछा गया था इतने प्यार दी फिल्म की शूटिंग कैसे चल रही है तो उन्होंने उस वक्त अच्छा जवाब दिया था इसके बारे में दोस्तों ये खबर 2023 हज़ार की जो कि इस वीडियो में बताया जा रहा है वहीं दोस्तों आपको बता दें रकुल प्रीत सिंह ने इसके ऊपर भी काफ़ी जमकर जवाब दिया था वहीं आगे बता दे क्लिप में रकुल प्रीत से पूछा गया था दे दे प्यार दे टू की शूटिंग कैसे चल रही है इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था बहुत बढ़िया इसकी शूटिंग आगे बढ़ रही है इसके बाद फिर एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा वासु सर के बारे में मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स है और बहुत से लोगों ने कहा है कि इस पर अकुल प्रीत ने मुस्कुराना बंद कर दिया और सॉरी कहकर वहाँ से वो चली गई वहीं वासु भगनानी और उनके प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट पर उनकी कई जो फिल्मों के क्रू मेम्बर्स को बताया गया वही भुगतान न करने के आरोप लगाए गए कुछ महीने पहले जो यहाँ पे फेडरेशन ऑफ यानी कि वेस्टर्न इंडिया सिनेमा और फ्यू एम प्लस पर जवाब दिया गया था इसी तरह दोस्तों कुछ दिन पहले बी एन तिवारी ने वासु भगनानी के खिलाफ शिकायतों के बारे में खुलासा करके बात की थी वही समाचार एजेंसी ए एन आई के अनुसार उन्होंने कहा था हमें सबसे पहले टीनू देसाई से शिकायत मिली थी और मिशन रानीगंज के लिए उनके पास लगभग 33 लाख रुपए का बकाया था बाद में वासु भगनानी ने कुछ समय मांगा और कहा कि भुगतान और कहा कि भुगतान एक महीने के भीतर पूरा कर दिया जाएगा हमारे कुलीन श्रमिक और फिर संघ के लिए भुगतान का एक हिस्सा एक महीने के बाद किया गया था लेकिन तीनों देसाई का भुगतान अभी भी लंबित चल रहा है इस तरह उन्होंने निर्देशक अली अब्बास जफर की एक और शिकायत का भी जिक्र किया जिन्होंने अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ स्टार बड़े मियाँ छोटे मियाँ के निर्देशन के लिए अपनी फीस नहीं दी है अभी तक इसका भी खुलासा किया गया उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी हो रही है और उचित जो है प्रतिक्रिया नहीं मिली है इसलिए इस दौरान हम इंतज़ार कर रहे थे और फिर जो है हमें अली जफ़र से 7.5 करोड़ की शिकायत मिली वहीं पे एफ आई एफ आई सी ई के अध्यक्ष ने ये भी दावा किया कि अन्य जो है भुगतान लंबी चल रही है जैसे निर्देशक विकास बहल जिन्हें जो है गणपत के लिए भी 2.5 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया है अभी तक पाशु भगनानी ने कुली नंबर वन हीरो नंबर वन प्यार किया तो डरना किया बड़े मियाँ छोटे मियाँ बीवी नंबर वन तेरा जादू चल गया मुझे कुछ कहना है रहना है तेरे दिल में दीवानापन और फिर जो है ओम जय जैसी जो फिल्मों का निर्माण किया है जगदीश उन्होंने जीना सिर्फ मेरे लिए और फिर जो है सर्भ जीत जो है वेलकम टू न्यूयॉर्क और फिर जो है बेल बो बेल बोटन जैसी फिल्मों का निर्माण इन्होंने किया हुआ है तो दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको काफ़ी जानकारी दे दी है अब आइए देवरा के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने शेयर करते हैं वही दोस्तों बता दें कि देवरा पार्ट वन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा अभी धमाका मचा रहा है आइए जानते हैं कि अभी तक इस फिल्म ने कितनी कारोबार कर लिया है बॉक्स ऑफिस के ऊपर कोराटाला सिवा की तेलुगु फिल्म देवरा पार्ट वन ने बॉक्स ऑफिस पर न केवल भारत में बल्कि दोस्तों विश्व स्तर पर भी शानदार शुरुआत की है जूनियर एन और फिर सैफ अली खान के मुख्य भूमिका वाली इस एक्शन फिल्म ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग डे में से एक का दर्जा हासिल किया है और ओपनिंग वीकेंड के बाकी दिनों में भी अपनी जो है गति बनाए रखी है इसी दोस्तों बता दें कॉमे स्कोर के अनुसार ये फिल्म इस यानी कि वीकेंड पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म की सूची में शामिल हो सकती है वहीं दोस्तों देवरा पार्ट वन सत्ताईस सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फिल्म के निर्माता ने एक बयान जारी करके बताया था कि इसने दुनिया भर में अपने पहले दिन एक करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ता में दोस्तों कॉमी स्कोर के अनुसार फिल्म ने दुनिया भर में अपने शुरुआती हफ्ता में 32 मिलियन से अधिक की कमाई किया है जो कि हम रुपए में देखें तो दो करोड़ से अधिक की कमाई की है जो कि इसे बैसिक स्तर पर सभी फिल्मों में दूसरे स्थान पर रखता है और फिर यहाँ पे देवरा केवल द वाइल फिर रोबोट से पीछे है जिसने एक हफ्ते में चवालीस मिलियन से ज्यादा की कमाई किया हुआ है वहीं दोस्तों एक है महिला ने मेट्रो में तमन्ना भाटिया के गाने आज की रात पर नृत्य किया जिससे ऑनलाइन मिश्रित जो है प्रतिक्रिया सामने आई है कुछ लोगों ने इसे पसंद किया जबकि अन्य ने इसे अनुचित भी माना है वहीं सोशल मीडिया के दौरान में सोशल मीडिया के दौर में दोस्तों मेट्रो यहां पे ट्रेन वायरल जो है पलों के लिए जो है अप्रतिषित जो है मंच बनाया गया है यात्रियों द्वारा बनाने से लेकर तीखी नोक झुक तक जो है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अक्सर जो है सुरक्षा में रहा है इस बार ये एक महिला का वीडियो सभी के सामने तेजी से वायरल हुआ है जिसमें वह स्त्री टू फिल्म की मशहूर गाने आज की रात पर डांस कर रही है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है वायरल क्लिप ने कई लोगों को विभाजित कर दिया और कुछ लोग डायल्स की सराहना कर रहे हैं जबकि अन्य लोग इस कृत्य की अनुचित भी कर रहे हैं इसके खिलाफी आवाज़ उठा रहे हैं इस तरह से इस्टाग्राम इंस्टाग्राम के ऊपर पहले आ, पहले से ही दोस्तों सहेली रुद्रा नाम की यूजर ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें वह मेट्रो कोच के बीच में आज की रात गाने की जोरदार जो है धुनों पर डांस करते हुई नजर आ रही है अपने कैप्शन में महिला ने बताया कि ये जो है यानी कि परफे ये जो है परफॉर्मेंस लोगों की मांग पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है क्लिप में यात्री उसकी परफॉर्मेंस देख रही है जिसमें कुछ है यात्री खुश नजर आ रही है जबकि अन्य सार्वजनिक जो है स्थान पर इस यानी कि अप्रत्याशित प्रदर्शन से परेशान होकर काम कर रहे हैं जैसे ही दोस्तों महिला संगीत की धुन पर जो है झूमती है कुछ यहाँ पे सह यात्री सीधे कैमरे की ओर जो, जो है दिखाई देती हुई नजर आती है जबकि अन्य लोग आंख मिलाने से बच रहे हैं जो असहज अस प्रतीत होता है हालांकि इस पल हालांकि इस पल ने जो है ऑनलाइन जो है बहुत छेड़ दी है कि कृष्णात्मक जो है अभिव्यक्तित और फिर सार्वजनिक जो है व्यवधान के बीच जो है रेखा कहाँ से खींचा गया है इसी के साथ दोस्तों आगे ये भी बताया गया है कि ये वीडियो तीन दिन पहले पोस्ट किया गया था और अब तक जो इंस्टाग्राम पर इसे आठ लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है साथ ही इस बार जो है कई कमेंट भी किए गए हैं कुछ यूजर्स ने ये वीडियो मनोरंजन मनोरंजन लगा है कुछ को इससे कुछ को इसके ऊपर जो है प्रदर्शन अपनी जो है नाराजगी जताई है इसी साथ दोस्तों ऑनलाइन जो है समुदाय ने नृत्य प्रदर्शन पर अपनी राय व्यक्त करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी किया है कि लोग अपनी जगह अपनी जगह की जो समझ खो रहे हैं ये नृत्य प्रदर्शन की सही जगह नहीं हो सकती है एक अन्य ने कहा कि हर कोई यहाँ आपके मनोरंजन के लिए नहीं कृपया यानी कि सावधान रहे एक अनुयायी ने इसके विपरीत राय दी है जिसने कहा कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रही है अगर इससे खुशी मिलती है तो नृत्य क्यों नहीं करे हालांकि सभी लोग सार्वजनिक जो है प्रदर्शन के पक्ष में नहीं थे एक ए, एक यहाँ पे नेतिजन ने टिप्पणी किया है कि अगर मैं उस कोच में होता तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती जबकि दूसरों ने कहा कि ये कोई मंच नहीं है ये सार्वजनिक परिवहन है कुछ लोग बस काम पर जो है जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पर डांस करके बाधा डालना थोड़ी सी दिक्कत वाली बातें इनके लिए हो सकती है फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम शैम्बू फिल्म को लेकर बात कर रहे थे इसी के साथ दोस्तों शैम्बू फिल्म का फर्स्ट पोस्ट रिलीज किया जा चुका है अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नए वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू ओ सो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है स्वयंभू तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वयंभी मूवीज़ की बजट एंड बॉक्स रिपोर्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इस फिल्म को बनाने में कितना रुपया लगेगा इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म जब इंडिया में रिलीज होगा तो बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर सकता है साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस मूवी के रिलीज़ डेट के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ दोस्तों फिल्म नज़र आने वाले मुख्य कास्ट के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को थोड़ा सा बताएंगे कि फिल्म की कहानी कैसी हो सकती है दोस्तों अगर आप लोग शैम्बू फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो साथ ही साथ फिल्म की कहानी को भी जानना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल यूट्यूबल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम बात करने की कोशिश करते हैं स्वयं फिल्म के बारे में दोस्तों कुछ समय पहले अभिनेत्री संप्ता ने अपना जन्मदिन भारत कृष्णमचारी द्वारा निर्देशित और निखिल सिद्धार्थ अभिनेश स्वयंबू से अपने लुक का अनावरण करके इन्होंने मनाया है उन्होंने दोस्तों पैरा नॉर्मल थ्रिलर बी में भी इन्होंने आगे बताया है अभिनेत्री संयुक्ता ने आज 11 सितंबर अपने प्रशंसकों को एक विशेष आश्चर्य दिया जब उन्होंने भरत कृष्णाचार्य द्वारा निर्देशित और निखिल सिद्धार्थ अभिनीत बहुप्रतिष्ठित फिल्म स्वयंभू से अपने भयंकर योद्धा के लुक को इन्होंने अनावरण कर दिया सभी के सामने अब निर्माता ने दोस्तों आज उनके जन्मदिन पर जो है पोस्टर का खुलासा किया और उनके इंस्टाग्राम पर भी साझा किए गए एक शक्तिशाली पोस्टर में एक दृढ़ और फिर कुशल योद्धा के रूप में उनका नया अवतार दिखाया गया है जो दोस्तों धनुष और फिर तीर के साथ योद्धा का सामना करने के लिए बिल्कुल अभिनेत्री तैयार है वही पोस्टर की पृष्ठभूमि में दोस्तों तीव्रता झलकती हुई दिखाई देती है जिसमें धूल और फिर अराजकता से घिरा हुआ योद्धा का मैदान युद्ध का मैदान आपको देखने को मिलता है जो कि फिल्म के उच्च दाव वाले एक्शन की झलक देखने को मिलती है उनकी अडिग निगाहें मजबूत रुख और फिर योद्धा कवच उनकी भूमिका की गंभीरता को बढ़ावा देती है जबकि उनके पीछे एक लाल एक लाल लबादा नाटकीय रूप से लहड़ता हुआ दिखाई देता है जो कि वीरतापूर्ण आवा को बढ़ावा देता है ये सीन इसी साथ के साथ दोस्तों पोस्टर के साथ स्वयंभू के निर्माता ने संयुक्ता को जन्म दिन की शुभकामनाएं दी है जिससे उन्होंने अपने पोस्ट में स्वीकार किया और फिल्म से दोस्तों अपने गहरे जुड़ाव को व्यक्तित किया और उन्होंने उल्लेख किया है कि स्वयंभू मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है और इसने मुझे चुनौतियों को स्वीकार करने और उन पर विजय पाने के लिए प्रेरित किया मुझे नए कौशल सीखने पर मजबूर किया है और अभी भी मैं सीख रही हूँ इस फिल्म के लिए कुछ कलाएँ और यहाँ पे हत्या करना एक कला है और वह इसकी रानी है इस तरह की शुभकामनाओं के लिए भी धन्यवाद उन्होंने पूरी टीम को दिया है इससे पहले निर्माता ने दोस्तों लुधेर यानी कि बैरिटी द्वारा निर्देशित की गई एक पैरा नॉर्मल थ्रिलर जो है बी एस एस बारत से उनका लुक भी जारी किया था लेकिन यहाँ पे बिलमकुंडा साई श्रीनिवास अभिनीत ये फिल्म 400 साल पुराने जो है दशा दशा दशावतार दशा मंदिर के रहस्य को उजागर कर दी है संयुक्ता ने मुख्य महिला किरदार निभाया है जो उनके लगातार बढ़े जो उनके लगातार बढ़ते प्रदर्शन की सूची में एक रहस्यमय पहलू जोड़ता है इन प्रमुख परियोजनाओं के अलावा संयुक्ता के प्रशंसकों को एक और घोषणा की गई है जो कि दोस्तों बता दें सर्वानंद की सैंतीसवीं फिल्म में उनकी भूमिका जो है जिसका जो है शीर्षक स्थायी रूप से जो है यानी कि सार्व सैंतीस रखा गया जिसे जो है राम अब राज्य द्वारा निर्देशित किया जाएगा ये यहाँ पे त्रिपट जो है यानी कि पुलासा उद्योग में जो है संयुक्त संयुक्ता के बढ़ते जो है प्रभाव को दर्शाती है क्योंकि वह विभिन्न जो है शैलियों और भूमिकाओं के बीच सहजता से बदलाव करती है जिससे दोस्तों एक अभिनेत्री के रूप में उनकी जो है बहुमुखी प्रतिभा साबित होती हुई फिल्म के अंदर दिखाया जाता है तो दोस्तों बता दें बिला शक की स्वयंभू फिल्म एक जबरदस्त एक योद्धा वाली फिल्म होने वाली जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा एक्शन भरपूर मारधर सीन्स आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकता है फिलहाल दोस्तों इस फिल्म की कुछ ही तस्वीरें लिख की गई है सामने आया है इसकी कुछ तस्वीरें कुछ अननोन चीजों को बताया गया अभी दोस्तों क्या कहानी हो सकती है फिल्म की इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी ज्यादा कुछ सामने इसके बारे में नहीं लिखा गया है लेकिन दोस्तों आप लोग वीडियो में एंड तक तो जरूर बन रहिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को भी बताने वाले हैं है दोस्तों शैंबू एक आगामी पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें निखिल सिद्धार्थ मुख्य भूमिका में आने वाले हैं वही भरत कृष्ण्य द्वारा निर्देशित की गई इस फिल्म में संयुक्त और नाभा नटेश मुख्य महिला भूमिका निभाएंगी निर्माता ने आधिकारिक तौर पर घोषणा किया है कि फिल्म के लिए संगीत सत्र अभी चल रही है जिसमें बता दें कि के जो है सनसनी रवि बसरूर और फिर जो है गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं घोषणाओं को चिन्हित करने के लिए दोस्तों सरस्वती पुत्रा फिर जो है राम जोगिया शास्त्री और फिर जो है भरत कृष्णाचारी के साथ जो संगीतकार की एक तस्वीर जारी की गई है इस बीच फिल्म की शूटिंग जारी है इसी साथ दोस्तों बता दें पिक्सल स्टूडियो के तहत जो है भुवन और फिर जो है श्रीकांत द्वारा निर्मित और फिर जो है टैगोर मथु द्वारा प्रस्तुत की गई शंभू एक महत्वाकांक्षी परियोजना बनने जा रही है ये सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में रिलीज होने वाली है इस आकर्षक फिल्म के बारे में और अधिक रोमांचक जो है अपडेट लिए आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा अभी दोस्तों फ़िल्म के रिलीज़ डेट के बारे में हम बात करें तो अभी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि ये फ़िल्म इंडिया में कब तक रिलीज़ हो सकता है क्योंकि दोस्तों अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है अभी दोस्तों फिल्म की जस्ट कुछ तस्वीरें सामने सोशल मीडिया पर रखा गया है फिल्म की कुछ न्यू अपडेट्स दे गई है कि हमने फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया है लेकिन दोस्तों फिल्म की शूटिंग कब तक समाप्त होगी कितनी परसेंट फिल्म की शूटिंग हो चुकी है इसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी और अपडेट हमारे सामने नहीं आया हुआ है इस फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री संयुक्ता ने, ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस मूवीज का कुछ तस्वीरें कुछ एक्शन सीन्स को पोस्ट किया है जिसपे दर्शक काफी ज्यादा उत्साहित होकर कॉमेंट कर रहे हैं इस शिक्षा दोस्तों निखिल सिद्धार्थ अपनी आगामी पीरियड एक्शन फिल्म स्वयंभू के लिए हैदराबाद में एक रोमांचक एक्शन एपिसोड की शूटिंग कर रहे हैं भारत भरत कृष्णचारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संयुक्त और नाफा नटेश मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है आइए जानने की कोशिश करते हैं कि निखिल के न्यूनतम शेड्यूल पर निर्माताओं को कितना खर्च करना पड़ रहा है और ये कितनी बड़ी फिल्म हो सकती है दोस्तों बता दें प्रेस नोट में निर्माता ने दावा किया है कि स्वयंभू का अगला शेड्यूल 12 दिनों में पूरा होगा जिसमें बता, जिसे बताया गया है कि बेथ नामी लड़कों सहित जो है सात सौ कलाकार शामिल होंगे और निर्माता ने इस पर 8 करोड़ खर्च किया है अभी तक निर्माता ने यह भी बताया कि इस अवसर के लिए लगाए गए दो बड़े सेटों पर एक युद्ध दृश्य फिल्माया जा रहा है उनका दावा है कि ये फिल्म का एक प्रमुख आकर्षण होने जा रहा है जो दर्शकों को स्क्रीन पर इसे देखने पर उत्साह का एक महसूस और एक एहसास करवाएगा अपडेट के साथ दोस्तों निर्माता ने निखिल का एक नया पोस्टर भी साझा किया जिसमें वह भीड़ के सामने खड़े होकर जो है कैमरों की ओर जो है पीट करके पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वह किसी फाइटिंग जो है रिंग में प्रवेश कर रहे हैं यहीं पे दोस्तों दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है निखिल ने अपने इंस्टाग्राम पर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी साझा किया जिसमें टीम जिसमें जो है टीम में एक नए सदस्य के शामिल होने की जानकारी दी गई है शैम्पू स्पेशल जो है बिग स्क्रीन और फिर जो है एक्स एक सेनि एक से की पीरियंस लोड होने जा रही है कुछ क्रेजी वार एक्शन सीन्स की शूटिंग चल रही है जल्दी और दोस्तों आपको बता दें कि सरप्राइज़ देखने को मिलेंगे इसमें दुनिया के सबसे जो है बेहतरीन यानी कि टेक्नीशियन जो है फिल्म फेयर का टीम में शामिल होना भी एक शामिल का चीज़ भरा चीज़ आपको इस फिल्म के अंदर होने वाला है इस तरह से दोस्तों के जी और सलाट जो है फेम रबी बसरूर फिल्म का संगीत तैयार कर रहे हैं जबकि यहाँ पे शनवाद जो है वासुदेव उनके अलावा मुनप्पा गिरी ने लिखा है और विजय विजय कमिश शेट्टी शाह निर्देशक रहे हैं इस मूवीज़ के वहीं निखिल को आखिर बार दोस्तों आखिरी बार 2023 की फिल्म जो है स्पाई में देखा गया था जो बॉक्स ऑफिस पर और दर्शकों के बीच अपनी जो है छाप छोड़ने में विफल रहे उन्होंने स्वयंभू में अपने किरदार के लिए दोस्तों हथियारों और मार्शल आर्ट और फिर जो है घोड़सवारी का प्रशिक्षण भी लिया था स्वयंभू के अलावा निखिल चंदू और फिर जो है मोडेटी की आ, फिल्म के अंदर जो है कार्तिक या तीन में जो है अभिनय करेंगे जिसमें दोस्तों वह रोमांस पर जो है जाने वाले हैं यहाँ पे डॉक्टर की अपनी जो भूमिका को फिर से जो है दोहराएंगे इस मूवीज़ के अंदर इसी के साथ दोस्तों आगे बता दें कि कलरा दोस्तों हमारे कई जो है पसंदीदा जो है सेलिब्रिटी अबू धाबी के यशा आईलैंड में आयोजित किए गए एक अवार्ड शो के लिए एक छत के नीचे एकत्र हुए थे ये मौज मस्ती और फिर जो है प्रशंसनीय प्रदर्शन के जश्न के साथ जश्न की शाम थी जिसे हमने जो है इस साल की जो है सिल्वर स्क्रीन पर देखा हुआ है अवार्ड शो का एक प्रमुख आकर्षण जो सोशल मीडिया पर सामने आया हुआ अभिनेता बॉबी देवल की जो है दिल को छू लेने वाली जो है प्रतिक्रियाएँ हैं जब उन्होंने 2023 में अबरार हक भूमिका के लिए जो है नेगेटिव रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार का इन्होंने हकदार बना था वहीं अपनी जो है पत्नी यानी कि तानिया देवल द्वारा झूमने के बाद जो है मंच पर जाते समय उनकी जो आंखें में आंसू आ गई थी इस अवार्ड को लेते समय वही दोस्तों अभिनेता को ट्रॉफ़ी मिलते ही दर्शक जो है खुशी से झूम उठे थे खुशी से झूमने झूमने से खुद को नहीं रोक पाए थे प्रशंसकों को उनकी इच्छा के अनुसार उनकी जीत का जश्न मनाते हुए बॉबी देवल ने अपने सिर पर जो है गिलास यानी कि रखकर और फिर जो है नाचते हुए अपने प्रतिष्ठित जो है हुक स्टेप को फिर से जो है बनाया और खैर बॉबी की जीत के बाद जो है नेटिजन्स खुशी से झूम उठे और फिर जो है सुपर स्टार जो है शाहरुख खान को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया बहुत जो है अलग थी और गुस्से वाले जो है ट्वीट्स को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ प्रशंसकों को लगता है कि अभिनेता रणबीर कपूर इस पुरस्कार के अधिक हकदार थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अभिनेत्री प्रीत सिंह मीडिया से बात करते समय दोस्तों तब जो है चल गई जब उस जब उनसे जो है उनके ससुर निर्माता वासु भगनानी के बारे में पूछा गया था पिछले कुछ महीनों से दोस्तों वासु भगनानी पर बकाया जो है भुगतान न करने के आरोप लगाए गए हैं अब न्यूज़ अठारह द्वारा जो है साझा किए गए एक वीडियो में रकुल प्रीत अर, अर, प्रीत को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी जो है इफा अवार्ड 2024 के ग्रीन जो है कॉरपोरेट पर जो है टेलीविज़न और ओ टी प्लेटफॉर्मों के बारे में बोलते हुए दिखाया गया ये भी बताया गया है वहीं क्लिप में रकुल प्रीत से पूछा गया था दे प्यार दे फिल्म की शूटिंग कैसे चल रही है तो उन्होंने उस वक्त अच्छा जवाब दिया था इसके बारे में दोस्तों ये खबर दो हज़ार तेईस के जो कि इस वीडियो में बताया जा रहा है वहीं दोस्तों आपको बता दें रकुल प्रीत सिंह ने इसके ऊपर भी काफ़ी जमकर जवाब दिया था वहीं आगे बता दें क्लिप में रकुल प्रीत से पूछा गया था दे दे प्यार दे टू की शूटिंग कैसे चल रही है इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था बहुत बढ़िया इसकी शूटिंग आगे बढ़ रही है इसके बाद फिर एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा वासु सर के बारे में मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स है और बहुत से लोगों ने कहा है कि इस पर अकुलप्रीत ने मुस्कुराना बंद कर दिया और सॉरी कहकर वहाँ से वो चली गई वहीं वासु भगनानी और उनके प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट पर उनकी कई जो फिल्मों के क्रू मेम्बर्स को बताया गया वही भुगतान न करने के आरोप लगाए गए कुछ महीने पहले जो यहाँ पे फेडरेशन ऑफ यानी कि वेस्टर्न इंडिया सिनेमा और फिर जो एम प्लस पर जवाब दिया गया था इसी तरह दोस्तों कुछ दिन पहले बीएन तिवारी ने वासु भगनानी के खिलाफ शिकायतों के बारे में खुलासा करके बात की थी वही समाचार एजेंसी ए एन आई के अनुसार उन्होंने कहा था हमें सबसे पहले तीनू देसाई से शिकायत मिली थी और मिशन रानीगंज के लिए उनके पास लगभग 33 लाख रुपए का बकाया था बाद में वासु भगनानी ने कुछ समय मांगा और कहा कि भुगतान और कहा कि भुगतान एक महीने के भीतर पूरा कर दिया जाएगा हमारे कुलीन श्रमिक और फिर संघ के लिए भुगतान का एक हिस्सा एक महीने के बाद किया गया था लेकिन तीनू देसाई का भुगतान अभी भी लंबित चल रहा है इस तरह उन्होंने निर्देशक अली अब्बास जफर की एक और शिकायत का भी जिक्र किया जिन्होंने अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ स्टार बड़े मिया छोटे मियाँ के निर्देशन के लिए अपनी फीस नहीं दी है अभी तक इसका भी खुलासा किया गया उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी हो रही है और उचित जो है प्रतिक्रिया नहीं मिली है इसलिए इस दौरान हम इंतज़ार कर रहे थे और फिर जो है हमें अली जफ़र से 7.5 करोड़ की शिकायत मिली वहीं पे एफ आई एफ आई सी ई के अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि अन्य जो है भुगतान लंबी चल रही है जैसे निर्देशक विकास बहल जिन्हें जो है गणपत के लिए भी 2.5 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया है अभी तक वाशु भगनानी ने कुली नंबर वन हीरो नंबर वन प्यार किया तो डरना किया बड़े मियाँ छोटे मियाँ बीवी नंबर वन तेरा जादू चल गया मुझे कुछ कहना है रहना है तेरे दिल में दीवानापन और फिर जो है ओम जय जैसी जो फिल्मों का निर्माण किया है जगदीश उन्होंने जीना सिर्फ मेरे लिए और फिर जो है सरबजीत जो है वेलकम टू न्यूयॉर्क और फिर जो है बेल बो बेल बॉटन जैसी फिल्मों का निर्माण इन्होंने किया हुआ है तो दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको काफ़ी जानकारी दे दी है अब आइए देवरा के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने शेयर करते हैं वही दोस्तों बता दें कि देवरा पार्ट वन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा अभी धमाका मचा रहा है आइए जानते हैं कि अभी तक इस फ़िल्म ने कितनी कारोबार कर लिया है बॉक्स ऑफिस के ऊपर कोरा टाला सिवा की तेलुगु फिल्म देवरा पार्ट वन ने बॉक्स ऑफिस पर न केवल भारत में बल्कि दोस्तों विश्व स्तर पर भी शानदार शुरुआत की है जूनियर एन और फिर सैफ अली खान की मुख्य भूमिका वाली इस एक्शन फिल्म ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग डे में से एक का दर्जा हासिल किया है और ओपनिंग वीकेंड के बाकी दिनों में भी अपनी जो है गति बनाए रखी है इसी के इस साथ दोस्तों बता दें कॉमे स्कोर के अनुसार ये फिल्म इस यानी कि वेकेंड पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में की सूची में शामिल हो सकती है वहीं दोस्तों देवरा पार्ट वन सत्ताईस सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फिल्म के निर्माता ने एक बयान जारी करके बताया था कि इसने दुनिया भर में अपने पहले दिन एक करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ता में दोस्तों कौमी स्कोर के अनुसार फिल्म ने दुनिया भर में अपने शुरुआती हफ्ता में 32 मिलियन से अधिक की कमाई किया है जो कि हम रुपए में देखें तो दो करोड़ से अधिक की कमाई की है जो कि इसे बेसिक स्तर पर सभी फिल्मों में दूसरे स्थान पर रखता है और फिर यहाँ पे देवरा केवल द वाइल फिर रोबोट से पीछे है जिसने एक हफ्ते में चवालीस मिलियन से अधिक की कमाई किया हुआ है वहीं दोस्तों एक है महिला ने मेट्रो में तमन्ना भाटिया के गाने आज की रात पर नृत्य किया जिससे ऑनलाइन मिसरी जो है प्रतिक्रिया सामने आई है कुछ लोगों ने इसे पसंद किया जबकि अन्य ने इसे अनुचित भी माना है वहीं सोशल मीडिया के दौरान में सोशल मीडिया के दौर में दोस्तों मेट्रो यहां पे ट्रेन वायरल जो है पलों के लिए जो है अप्रतिशत जो है मंच बनाया गया है यात्रियों द्वारा हरील बनाने से लेकर तीखी नोक तक जो है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अक्सर जो है सुर्खियों में रहा है इस बार ये एक महिला का वीडियो सभी के सामने तेजी से वायरल हुआ है जिसमें वह स्त्री टू फिल्म की मशहूर गाने आज की रात पर डांस कर रही है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है वायरल क्लिप ने कई लोगों को विभाजित कर दिया और कुछ लोग डांस की सराहना कर रहे हैं जबकि अन्य लोग इस कृत्य की अनुचित भी कर रहे हैं इसके खिलाफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं इस तरह से इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम के ऊपर पहले आ, पहले से ही दोस्तों सहेली रुद्रा नाम की यूजर ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें वह मेट्रो कोच के बीच में आज की रात गाने की जोरदार जो है धुनों पर डांस करते हुए नज़र आ रही है अपने कैप्शन में महिला ने बताया कि ये जो है यानी कि परफे ये जो है परफॉर्मेंस लोगों की मांग पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है क्लिप में यात्री उसकी परफॉर्मेंस देख रही है जिसमें कुछ है यात्री खुश नज़र आ रही है जबकि अन्य सार्वजनिक जो है स्थान पर इस यानी कि अप्रत्याशित प्रदर्शन से परेशान होकर काम कर रहे हैं जैसे ही दोस्तों महिला संगीत की धुन पर जो है झूमती है कुछ यहाँ पे सह यात्री सीधे कैमरे की ओर जो है दिखाई देती हुई नजर आती है जबकि अन्य लोग आंख मिलाने से बच रहे हैं जो असहज अस प्रतीत होता है हालांकि इस पल हालांकि इस पल ने जो है ऑनलाइन जो है बहुत छेड़ दी है कि प्रश्नात्मक जो है अभिव्यक्ति और फिर सार्वजनिक जो है व्यवधान के बीच जो है रेखा कहाँ से खींचा गया है इसी के साथ दोस्तों आगे ये भी बताया गया है कि ये वीडियो तीन दिन पहले पोस्ट किया गया था और अब तक जो इंस्टाग्राम पर इसे आठ लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है साथ ही इस बार जो है कई कमेंट भी किए गए हैं कुछ है। यूजर्स ने ये वीडियो मनोरंजन मनोरंजन लगा है कुछ को इससे कुछ को इसके ऊपर जो है प्रदर्शन अपनी जो है नाराज़गी जताई है इसी साथ दोस्तों ऑनलाइन जो है समुदाय ने नृत्य प्रदर्शन पर अपनी राय व्यक्त करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी किया है कि लोग अपनी जगह अपनी जगह की जो समझ खो रहे हैं ये नृत्य प्रदर्शन की सही जगह नहीं हो सकती है एक अन्य ने कहा कि हर कोई यह आपके मनोरंजन के लिए नहीं कृपया यानी कि सावधान रहे एक अनुयायी ने इसके विपरीत राय दी है जिसने कहा कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रही है अगर इससे खुशी मिलती है तो नृत्य क्यों नहीं करे हालांकि सभी लोग सार्वजनिक जो है प्रदर्शन के पक्ष में नहीं थे एक एक यहाँ पे नतीजन ने टिप्पणी किया है कि अगर मैं उस कोच में होता तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती जबकि दूसरों ने कहा कि ये कोई मंच नहीं है ये सार्वजनिक परिवहन है कुछ लोग बस काम पर जो है जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पे डांस करके बाथा डालना थोड़ी सी दिक्कत वाली बातें इनके लिए हो सकती है फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम सैम्बू फिल्म को लेकर बात कर रहे थे इसी के साथ दोस्तों सैम्बू फिल्म का फर्स्ट पोस्ट रिलीज किया जा चुका है अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नए वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू सीनो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूफेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है स्वयंभू तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वयंभी मूवीज़ की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इस फिल्म को बनाने में कितना रुपया लगेगा इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म जब इंडिया में रिलीज होगा तो बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर सकता है साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को थोड़ा सा बताएंगे कि फिल्म की कहानी कैसी हो सकती है दोस्तों तो अगर आप लोग सैम्बू फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो साथ ही साथ फिल्म की कहानी को भी जानना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम बात करने की कोशिश करते हैं स्वयं फिल्म के बारे में दोस्तों कुछ समय पहले अभिनेत्री सं ने अपना जन्मदिन भारत कृष्णमचार्य द्वारा निर्देशित और निखिल सिद्धार्थ अभिनेश स्वयंभू से अपनी योद्धा लुक का अनावरण करके इन्होंने मनाया है उन्होंने दोस्तों पैरा नॉर्मल थ्रिलर बी में भी इन्होंने आगे बताया है अभिनेत्री संयुक्ता ने आज 11 सितंबर अपने प्रशंसकों को एक विशेष आश्चर्य दिया जब उन्होंने भरत कृष्णाचार्य द्वारा निर्देशित और निखिल सिद्धार्थ अभिनेत बहुप्रतिष्ठित स्वयं से अपने भयंकर योद्धा के लुक को इन्होंने अनावरण कर दिया सभी के सामने अब निर्माता ने दोस्तों आज उनके जन्मदिन पर जो है पोस्टर का खुलासा किया और उनके इंस्टाग्राम पर भी साझा किए गए एक शक्तिशाली पोस्टर में एक दृढ़ और फिर कुशल योद्धा के रूप में उनका नया अवतार दिखाया गया है जो दोस्तों धनुष और फिर तीर के साथ योद्धा का सामना करने के लिए बिल्कुल अभिनेत्री तैयार है वही पोस्टर की पृष्ठभूमि में दोस्तों तीव्रता झलकती हुई दिखाई देती है जिसमें धूल और फिर अराजकता से घिरा हुआ योद्धा का मैदान युद्ध का मैदान आपको देखने को मिलता है जो कि फिल्म के उच्च दाव वाले एक्शन की झलक देखने को मिलती है उनकी अडिग निगाही मजबूत रुख और फिर योद्धा कवच उनकी भूमिका की गंभीरता को बढ़ावा देती है जबकि उनके पीछे एक लाल एक लाल लबादा नाटकीय रूप से लहटता हुआ दिखाई देता है जो कि व्यरतापूर्ण आभा को बढ़ावा देता है ये सीन इसी के साथ दोस्तों पोस्टर के साथ स्वयंभू के निर्माता ने संयुक्ता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है जिससे उन्होंने अपने पोस्ट में स्वीकार किया और फिल्म से दोस्तों अपने गहरे जुड़ाव को व्यक्तित किया और उन्होंने उल्लेख किया है कि स्वयंभू मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है और इसने मुझे चुनौतियों को स्वीकार करने और उन पर विजय पाने के लिए प्रेरित किया मुझे नए कौशल सीखने पर मजबूर किया है और अभी भी मैं सीख रही हूँ इस फिल्म के लिए कुछ कलाएं और यहाँ पे हत्या करना एक कला है और वह इसकी रानी है इस तरह की शुभकामनाओं के लिए भी धन्यवाद उन्होंने पूरी टीम को दिया है